गुड इवनिंग, मेरी आवाज आ रही है? मैं सुनाई दे रहा हूं, दिखाई दे रहा हूं। गुड इवनिंग सरिता बजाज, अमरेश सिंह, हंसराज, अनुराधा सिंह। गुड इवनिंग एवरीवन, मैं सुनाई दे रहा हूं, आप बताएं, फिर मैं क्लास शुरू करूं। मलिक चंदर, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैं सुनाई दे रहा हूं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। आज यूजीसी नेट के क्लास में, लेक्चर वन में आप सभी का वेलकम है, स्वागत है। आज से हम लोग क्लास को शुरू करने जा रहे हैं और आज ही कल के क्लास में हम लोगों ने एक स्ट्रेटेजिक डिस्कशन किया था कि क्या रणनीति होनी चाहिए इस परीक्षा के लिए, और आज हम लोग टॉपिक से शुरू कर रहे हैं। यूजीसी के सिलेबस को मैंने आपके साथ डिस्कस किया था और उसमें एक टॉपिक था बेसिक कंसेप्ट, तो उसी बेसिक कंसेप्ट से आज हम क्लास को शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है यूनिट वन, मूलभूत अवधारणाएं, बेसिक कंसेप्ट का इसका पार्ट वन है। सो अगेन गुड इवनिंग एवरीवन। आज का टॉपिक है आपका बेसिक कंसेप्ट, मूलभूत अवधारणाएं। ये बहुत क्लियर है कि हम लोग सोशियोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं, समाजशास्त्र, और इस विषय की विषय वस्तु समाज है। इसी समाज को हमें इस विषय में पढ़ना है, इसी समाज के विभिन्न आयामों को इस विषय में पढ़ना है, इसी समाज के मैकेनिज्म को इस विषय में हमें समझने का प्रयास करना है। ये बड़ा क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में। फिर प्रश्न ये उठता है कि समाज क्या है, आपके दिमाग में समाज के बारे में क्या आउटलाइन है? तो बड़ा आसान सा उत्तर है इसके बारे में, इसके उद्गम के बारे में। माना जाता है कि पृथ्वी पहले गर्म हुआ करती थी, फिर धीरे धीरे ठंडी हुई, इसमें वनस्पति जगत आया, इसमें जीव जगत आया, पशु जगत आया, और इसी जीवों में एक जीव आया, मानव, मनुष्य। जिस तरह से अन्य जानवर थे उस तरह से मनुष्य थे, जिस तरह से अन्य जानवरों की जरूरतें थी मनुष्य की भी जरूरतें थी, और हमारे चारों तरफ नेचर था, पेड़ था, पहाड़ था, जंगल था, नदी था, और इसी प्रकृति से हमने अपनी आवश्यकताओं को पूरा किया। जिस तरह से अन्य जानवरों ने इसी प्रकृति से अपनी आवश्यकताओं को पूरा किया, हमने भी किया, लेकिन हम अन्य जानवरों से थोड़ा अलग थे। हम अन्य जानवरों से थोड़ा विशेष क्षमतावान जानवर थे। वो क्या विशेष क्षमता थी? तो कुछ विशेष शारीरिक क्षमता हमारे अंदर थी, जैसे हम सीधा खड़ा हो सकते थे। सीधा खड़ा होने से जो हमारा अगला दोनों पैर था, ये हाथ जिसको आप कहते, ये फ्री हो गया। कहा जाता है कि हमारा जो उद्भव विकास हुआ है, उद्विकास हमारा हुआ है, वो बंदर से हुआ है, तो काफी सिमिलरिटी हमारे और उनके शारीरिक विशेषताओं में दिखाई देती है। हम सीधा खड़ा हो सकते हैं, हमारे हाथों की दोनों, जो दोनों पैर थे, ये दोनों हाथ के रूप में फ्री हो गए, इससे हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के क्रम में कुछ कर सकते हैं। दूसरी विशेषता हमारे इस हाथों की बनावट, आप अगर कंपेयर करोगे तो किसी भी अन्य जानवर के अगले दोनों पैर या हाथ की ऐसी बनावट नहीं होती है। विशिष्ट उंगलियां, ऐसा हाथ जिसके बल पर हम कुछ भी बना सकते हैं, हम एक सुई पकड़ के इसमें धागा लगा सकते हैं, अन्य जानवर नहीं लगा सकते। ये हमारी विशेष शारीरिक क्षमताएं जो हमें अन्य जानवरों से अलग करती थी, और कुछ विशेष मानसिक क्षमताएं भी थी हमारे अंदर। हमारे पास एक माइंड था, हमारे पास एक समृद्ध माइंड था। माइंड अन्य जानवरों के पास भी होता है, बट हमारे पास एक समृद्ध मस्तिष्क था। इस समृद्ध मस्तिष्क में रीजनिंग,
तर्क करने की क्षमता थी, डिसीजन मेकिंग की क्षमता थी, प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्षमता थी। हमारे इस माइंड में एक शानदार इंटेलिजेंस नाम की चीज थी, एक शानदार मेमोरी नाम की चीज थी, हमारे इसी माइंड में क्रिएटिविटी नाम की चीज थी। यही सभी विशेषताएं हमें अन्य जानवरों से अलग करती थी। रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट हुआ कि हमने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के क्रम में अन्य जानवरों की तरह प्रकृति का जब दोहन करके हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे थे, तो हम लोगों ने भी बहुत सारी चीजें बना दी। हमारे समृद्ध मस्तिष्क के कारण ढेर सारे विचार, ढेर सारे आइडिया आते चले गए अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के संदर्भ में, अपनी समस्याओं के समाधान के संदर्भ में, और हम इसी आइडियाज को इंप्लीमेंट करने लगे, और इंप्लीमेंट करने में हमारी विशेष शारीरिक क्षमता ने हमें सहयोग दिया। हमारे हाथों की जो बनावट थी, इसके बल पर हमने कुछ किया, दिमाग में आया कि नहीं फल अगर ऊपर है तो हम एक डंडा में एक और छोटा डंडा को बांध करके फल को तोड़ सकते हैं। दिमाग में आइडिया आया और हाथों के सहयोग से विशेष शारीरिक क्षमता के बल पर हमने एक बड़ा सा बांस लिया, उसमें एक छोटा सा बांस बांधा और तैयार कर दिया। इस तरह से हमने बहुत सारी भौतिक चीजों की रचना कर दी, सीढ़ी बना डाला, डंडा बना डाला, चौकी बना डाला, खटिया बना डाला, पलंग बना डाला, बहुत सारी भौतिक चीजों की रचना करी, और हमने बहुत सारे नियम, तौर तरीके, रीति रिवाज, प्रथा परंपरा, जिसको हम संस्कृति कहते हैं, इसकी रचना करी। इस पर्यावरण में अब केवल प्रकृति द्वारा बनाई हुई चीजें ही नहीं रह गई, बल्कि बहुत सारी मानव निर्मित चीजें भी आ गई जो अन्य जानवर नहीं बना पाए। इस पर्यावरण में जो मानव निर्मित चीजें हैं, मेरी बातों को फोकस करो, इस चारों तरफ के हमारे पर्यावरण में एक तो नेचर द्वारा दी गई चीज है और एक मानव द्वारा निर्मित चीज है। इस मानव द्वारा निर्मित चीजों को हम दो भागों में बांटते हैं, एक को हम कहते हैं भौतिक, कुर्सी टेबल पंखा, और एक को हम कहते हैं अभौतिक, रीति रिवाज प्रथा परंपरा। हमारे समाज वैज्ञानिक इन्हीं भौतिक चीजों के लिए एक शब्द देते हैं सभ्यता, और इन अभौतिक चीजों के लिए, रीति रिवाज प्रथा परंपरा के लिए, हमारे समाज वैज्ञानिक एक शब्द देते हैं संस्कृति, कल्चर। बहुत पहले के जो मानव शास्त्री थे, दोनों के लिए उन्होंने संस्कृति शब्द का इस्तेमाल किया था। हर्स्कोविट्स की संस्कृति की परिभाषा आप लोगों ने पढ़ा होगा, पर्यावरण के मानव निर्मित भाग को संस्कृति कहते हैं, बट बाद में इसके दो डिवीजन हुए, भौतिक संस्कृति, अभौतिक संस्कृति, फिर सभ्यता संस्कृति की संकल्पना का विकास हुआ। इस पृथ्वी पर ढेर सारे जानवर, हम भी एक जानवर, अन्य जानवरों से हम विशेष क्षमतावान, इसी विशेष क्षमता के बल पर इस पृथ्वी पर ढेर सारी चीजों को हमने बनाई, संस्कृति और सभ्यता नाम की चीजों को बनाई। संस्कृति और सभ्यता से युक्त इसी मनुष्य के समूहों को हम समाज कहते हैं, समाज कहते हैं, समाज कहते हैं। और समाजशास्त्र इसी समाज का अध्ययन करने वाला एक विषय है, विज्ञान है, आगे हम इसके बारे में डिटेल जानेंगे। समाजशास्त्र की विषय वस्तु यही समाज है, मनुष्य, उसके क्रिया अंतःक्रिया संबंधों से निर्मित समूह। इस समूह के अंतर्गत मनुष्यों के क्रिया अंतःक्रिया को संचालित करने वाले नियम, प्रतिमान, संस्कृति, सभ्यता, और इन सभी के समग्र को हम समाज कहते हैं। इसी समाज को हम लोगों को सोशियोलॉजी में पढ़ना है, समाजशास्त्र में पढ़ना है। और इस समाजशास्त्र में समाज को समझने के क्रम में हमने पहला टॉपिक का चुनाव किया जो आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, मूलभूत अवधारणाएं, बेसिक कंसेप्ट्स, मूलभूत संकल्पनाएं। कोई भी विषय जब विकास की प्रक्रिया में होता है तो अपने विषय वस्तु
से संबंधित ढेर सारी अवधारणाओं का निर्माण करता है, कंसेप्ट का निर्माण करता है। हर विषय में विषय वस्तु से संबंधित ढेर सारी अवधारणाएं होती है। आप फिजिक्स पढ़ोगे, केमिस्ट्री पढ़ोगे, साइंस पढ़ोगे, ताप है, दाब है, गति है, बहुत सारी अवधारणाएं। हर विषय की विषय वस्तु से संबंधित ढेर सारी अवधारणाएं विकसित की जाती है विषय में। समाज और समाज से संबंधित ढेर सारे पक्षों के बारे में समाजशास्त्र में भी बहुत सारी अवधारणाएं विकसित की गई जो समाज से संबंधित है। समाज के अलग अलग पक्षों के बारे में कंसेप्ट बनाया गया है, अवधारणा बनाई गई है। अब प्रश्न है कि अवधारणा क्या होता है, कंसेप्ट क्या होता है। कंसेप्ट के अगर हम अर्थ को देखते हैं तो इसका जो भावार्थ है, या एक तरह से कहो जो गहन अर्थ है इसका, वो है बांधना। मतलब किसी भी घटना को कुछ शब्दों में बांध देना। कहा जाता है कि कंसेप्ट का मतलब अमूर्तीकरण होता है। मतलब व्यवहार की घटनाओं को कुछ शब्दों में उसका अमूर्तीकरण कर देना। मतलब शब्द कह दिए तो घटना दिमाग में आ गई, कुछ शब्दों में बांध दिया जाता है, वही शब्द अवधारणा कहलाता है। सिंपल एक एग्जांपल मैं अगर देना चाहूंगा, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आपका वो आला हो गया है, वो आला जिसमें आप घोड़े पे बैठ कर जाते हैं, नया ड्रेस पहन कर जाते हैं, आपके साथ ढेर सारे लोग जाते हैं, बैंड बाजा बजता है, फिर किसी व्यक्ति के घर के सामने जाते हैं, वो लोग आपका वेलकम करते हैं, फिर आपको उतार करके ले जाया जाता है, एक सिंहासन नुमा स्थान पर आपको बैठाया जाता है, फिर एक लड़की को ले आया जाता है, फिर दोनों एक दूसरे को माला डालते हैं, तालियां बजाई जाती है, टेस्ट टेस्ट टेस्ट। हमें लंबा चौड़ा पूरी रात की कहानी बतानी होगी। ये एक सोशल फिनोमेना है, समाज में घटित होने वाली ये घटना है, जहां एक व्यक्ति घोड़े पर बैठ कर जाता है, उसके साथ ढेर सारा टेस्ट 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 टेस्ट। इस कंप्लीट घटनाक्रम के लिए समाजशास्त्रियों ने एक शब्द, एक अवधारणा का विकास किया, पूरे घटना को एक शब्द में बांध दिया, विवाह, मैरिज। अब हमें पूरा घटना बताने की जरूरत नहीं है, हम तो बस केवल कहेंगे कि भाई आपका विवाह हो गया है क्या। जैसे ही मैं कहूंगा कि आपका विवाह हो गया है क्या, आपके मन मस्तिष्क पर पूरा घटनाक्रम कौन जाएगा, आप समझ जाओगे कि मैं क्या जानना चाहता हूं, और आप जवाब दोगे। इस तरह से हर विषय में अपने विषय वस्तु के बारे में, विषय वस्तु के रूप में जो घटित घटनाएं हैं, बहुत सारी चीजें हैं, उनका संप्रत्ययीकरण इसको कहा जाता है, अवधारणाकरण कहा जाता है, कंसेप्चुअलाइजेशन कहा जाता है, अवधारणाओं का निर्माण किया जाता है। सोशियोलॉजी में समाज के बारे में बहुत सारी अवधारणाओं का विकास किया गया, और हमें इसी अवधारणा को, इन्हीं अवधारणाओं को समझना है। समाज क्या है, संस्कृति क्या है, सभ्यता क्या है, समूह क्या है, समुदाय क्या है, संस्था क्या है, सामाजिक संबंध क्या है, क्रिया क्या है, अंतःक्रिया क्या है, बहुत सारी अवधारणाएं भरी पड़ी है। जो बेसिक कंसेप्ट है, जो प्रमुख अवधारणाएं हैं, हम लोग उसी को यहां पढ़ेंगे। क्लियर है? अब एक बात ध्यान से आप सुनो मेरी बात को, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, आज से क्लास शुरू कर रहे हैं या कर चुके हैं कहो। अवधारणा ढेर सारी घटनाओं को देखने के बाद बनाया जाता है, इसलिए अवधारणा के बारे में हम कह सकते हैं कि जो अवधारणा है किसी घटना की, वो एक आइडियल टाइप होती है। अब कई विवाह को देखने के बाद हमने विवाह का कंसेप्ट बनाया, विवाह को डिफाइन किया प्रॉपर, उसके कुछ लक्षण बनाए। जरूरी नहीं है कि व्यवहार में घटित सभी विवाहों में वो सारे लक्षण पाए जाए। बट हमें देखना है कि मैक्सिमम कॉमन लक्षण जो बेसिक उसमें है कि नहीं। ये है अवधारणा।
हूबहू वो दिखाई नहीं देगा। इसलिए अवधारणाओं की समझ जब हमको प्राप्त करनी है तो हम हूबहू पर नहीं जाएंगे, हम तो साम्यता की डिग्री को जानने का प्रयास करेंगे। पहली बात, साम्यता की डिग्री को जानने का प्रयास करेंगे। जैसे हमने अभी जो कहा उसको कुछ लाइन में हमने यहां सामने लिखा है कि मूलभूत अवधारणाएं सामाजिक घटनाओं का अमूर्तीकरण एब्स्ट्रैक्शन है, उनका आदर्श प्रारूप है, आइडियल टाइप है, जो हूबहू व्यवहारिक समाज में नहीं पाई जाती है, जो हूबहू व्यवहारिक समाज में नहीं पाई जाती है। अतः हमारे अध्ययन की रणनीति अवधारणाओं को समझने के साथ साथ व्यवहारिक जगत की घटनाओं के साथ इसकी साम्यता और साम्यता की डिग्री को भी समझना होता है। अब एक सिंपल मैं आपको एग्जांपल देना हूं। अब हम लोग अवधारणा को समझने का मतलब समझ गए, लेकिन हमेशा ध्यान रखना जब हम मेंस पढ़ते हैं तो हमारा अप्रोच अलग होता है, और जब हम ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों का उत्तर देने के लिए पढ़ते हैं तो यहां पर हमारा अप्रोच अलग हो जाता है। क्या अप्रोच अलग होता है? हम मेंस में अगर किसी कंसेप्ट को पढ़ते हैं और हमें समझाते हुए लिखना है तो हम उस कंसेप्ट को समझा कर लिखेंगे और फिर एग्जाम्पल कंफ्यूजन वाला देंगे या बिल्कुल एग्जैक्ट एग्जाम्पल देंगे, एग्जैक्ट एग्जाम्पल देंगे जिससे एग्जामिनर को हमारे कंसेप्ट को पढ़ने के बाद, उदाहरण को पढ़ने के बाद उसको बिल्कुल क्लियर हो जाए, डाउट नहीं रहे, डाउट नहीं रहे। मैंने कम्युनिटी क्या है, समुदाय क्या है अच्छा से समझा दिया, और समझाने के बाद हमने एग्जाम्पल दिया जनजाति, जनजाति, कहीं कोई कंफ्यूजन सामने वाले को नहीं होगा। लेकिन अगर हम नगर दे दे, कंसेप्ट को हमने समझाया मेंस में लिख करके और हमने समुदाय के उदाहरण के रूप में नगर दिया, तो एग्जामिनर को कंफ्यूजन होगा, हम क्यों कंफ्यूजन वाला उदाहरण दे, हम वो क्यों ना उदाहरण दे जिसमें समुदाय के सारे लक्षण पाए जाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एवरीथिंग, हम जनजाति देंगे और हर कंसेप्ट को इसी तरह से पढ़ते चले जाएंगे और जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो याद रखेंगे और कंसेप्ट को समझाएंगे क्योंकि वहां हमें समझाना है, और बेस्ट एग्जाम्पल हम उसको दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट प्रीलिम्स में दिक्कत है, क्योंकि प्रीलिम्स में अगर पूछ दे कि निम्न में से कौन समुदाय का उदाहरण है, विवाह, बाजार, धर्म, नगर, विवाह संस्था है, बाजार संस्था है, धर्म संस्था है और नगर समुदाय का उदाहरण, यहां पर नगर को भी हमें समुदाय मानना होगा। जबकि मेंस में हमें नहीं जानना है कि नगर समुदाय है कि नहीं है, हमें बाउंड्री लाइन पे माइक्रो लेवल पर नहीं पढ़ने की जरूरत है, हमें तो कंसेप्ट को पढ़ करके उसका बेस्ट एग्जाम्पल जानना है जो कि हम एग्जामिनर को समझाने के लिए दे दें। एग्जामिनर को समझाने के लिए दे दे, लेकिन पीटी पढ़ते समय हमें कंसेप्ट का व्यवहारिक जगत की घटनाओं के साथ जो साम्यता है और उसकी डिग्री को भी समझना होगा। हमें तो जानना होगा कि जनजाति समुदाय है, समुदाय की ये लक्षण है और जनजातियों में पाया जाता है, जनजाति एक समुदाय का उदाहरण है, लेकिन नगर समुदाय है कि नहीं है, है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है, इसको भी हमें जानना होगा। इसलिए अभी जो लास्ट लाइन हमने दिया है कि इसकी साम्यता की डिग्री को भी समझना होगा, जैसे तो एक प्रश्न आपके सामने मैं रखता हूं, निम्न में से कौन सा समूह या ग्रुप का लक्षण है? समूह, ग्रुप, सोशल ग्रुप शब्द से हम परिचित हैं, लगभग आप सभी
जब यूजीसी नेट पढ़ने आए हो तो आप इस शब्द से परिचित होंगे। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति सामाजिक संबंधों से जुड़ते हैं तो हम उनको समूह कहते हैं। समूह पर, समूह की संकल्पना पर बहुत मंथन हुआ। ऑगबर्न नीमकॉप ने जब परिभाषित किया तो कहा कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं तो सामाजिक समूह का निर्माण होता है। मर्टन ने इसको खारिज कर दिया, कई विद्वानों ने इस डिफिनेशन को खारिज कर दिया। मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई बस पर जा रहे हैं, दोनों अगल बगल के सीट पर बैठे हुए हैं। मिस्टर एक्स कहता है मिस्टर वाई से कि आपके पास माचिस है क्या? मिस्टर वाई माचिस देता है, मिस्टर एक्स जो है वो सिगरेट से लुगाता है, माचिस वापस करता है, अगले स्टॉप पर उतर कर चला जाता है। यहां एक्स और वाई के बीच अंतःक्रिया हुआ, एक्स और वाई के बीच संबंध भी बना, लेकिन एक्स जो है अगले स्टॉप पर उतर गया, वाई आगे तक गया, दोनों अगले अगले अपने अपने घर चले गए। यहां पर संबंध नहीं बना, समूह नहीं बना, संबंध तो बना, अंतःक्रिया तो हुई। मर्टन कहते हैं कि यह सामाजिक समूह नहीं है। दोबारा मिस्टर एक्स और वाई बस पर मिल गए, दोबारा मिस्टर वाई ने माचिस मांगा, सिगरेट सुलगाया, तिबारा मिल गए, चौबारा मिल गए, फिर दोनों बातचीत करने लगे। बातचीत करते 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 दोनों दोस्त हो गए, मित्र हो गए। अब ये दोनों मित्रता के प्रतिमानित संबंधों से जुड़ गए, बंध गए, और बंध गए तो समूह का निर्माण किए। समूह दो या दो से अधिक व्यक्ति जब किसी प्रतिमानित संबंधों से जुड़ जाते हैं, बंध जाते हैं, तो सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह सामाजिक समूह का एग्जैक्ट डिफिनेशन है। अब जब हमें सोशल ग्रुप या ग्रुप, यहां ग्रुप का आशय सोशल ग्रुप से है, कि अवधारणा को जब हमको समझना होगा तो कंक्रीट उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना होगा। लेकिन प्रिलिम्स के लिए हमें थोड़ा दाएं थोड़ा बाएं भी देखना होगा और प्रश्न के हिसाब से कंसेप्ट को समझने का प्रयास करना होगा। जैसे आपके सामने एक प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समूह के लक्षण है, निम्न में से कौन सा समूह के लक्षण है? पहला है दो या दो से अधिक व्यक्ति, दो या दो से अधिक व्यक्ति। समूह मतलब एक व्यक्ति नहीं, समूह मतलब कम से कम दो व्यक्ति, दो या दो से अधिक व्यक्ति का होना जरूरी है। निरंतर अंतःक्रिया, बिल्कुल सही, मर्टन ने कहा कि निरंतर अंतःक्रिया से जुड़ जाते हैं लोग, बंध जाते हैं लोग। हम की भावना, वी फीलिंग, कुछ विद्वानों ने, कुछ समाज वैज्ञानिकों ने समूह के लिए वी फीलिंग के लक्षण को भी आवश्यक माना है। हम की भावना, वी फीलिंग, और डी दिया है उपरोक्त सभी। मैं अभी आपको कंसेप्ट नहीं समझा रहा हूं, मैं अभी आपको पढ़ने का तरीका समझा रहा हूं। और मैंने कल भी कहा है कि हम उस लास्ट 30 से 40 प्रश्नों की तैयारी कर रहे हैं जो हमें इस पार से उस पार पहुंचाएगा। मैं मान के चल रहा हूं कि 50 प्रश्न आपको आता है, 50 प्रश्न आपको आता है, और मुझे आपको और 30 से 40 प्रश्न करा देना। मेरी भूमिका यही है, और 30 से 40 प्रश्न आपके द्वारा किए जाने वाले प्रश्नों में इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए, जो आपका कमजोर पक्ष है, जहां जहां हमें और वैल्यू एडिशन करना चाहिए वो मैं करने का प्रयास कर रहा हूं। इसलिए अभी हम ये देख रहे हैं कि हम लोग कैसे पढ़ेंगे। रोशनी कश्यप ने, हंसराज ने, सभी ने कहा डी, बिल्कुल सही आंसर है डी। सही आंसर है डी। ये ध्यान रखिएगा, बेसिक कंसेप्ट हमारे यूजीसी के सिलेबस में तीसरा यूनिट है। यहां मैंने यूनिट 1 लिखा है, उस पर घबराने की जरूरत नहीं है, यूनिट 3 से ही हमने शुरू किया। सही आंसर है डी, कोई दिक्कत नहीं, आप सही आंसर दिए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसका सही उत्तर है आपके सामने है डी। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक और सवाल आपके सामने लेते हैं उसी समूह पर। सवाल है निम्न में से कौन सा समूह का उदाहरण है, सेम क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा समूह का उदाहरण है या सामाजिक समूह का उदाहरण है। यहां पर भी चार विकल्प दिया हुआ है। पहला विकल्प है आपके सामने
नेशन स्टेट, राष्ट्र राज्य। दूसरा विकल्प है आपके सामने नगर। तीसरा विकल्प है आपके सामने जनजाति। और चौथा विकल्प है आपके सामने मित्र मंडली, पीयर ग्रुप। अब बताएं, फटाफट आंसर बताएं, ए बी सी डी। निम्न में से कौन सा सामाजिक समूह का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा सामाजिक समूह का उदाहरण है? फास्ट, राष्ट्र राज्य, नगर, जनजाति, मित्र मंडली, पीयर ग्रुप। वेरी गुड, सारे बच्चों ने कहा डी डी डी, कुछ बच्चे सी है, डी 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 सही है बच्चा। सामाजिक समूह का उदाहरण पीयर ग्रुप है, डी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग नेक्स्ट, सुरेंद्रनाथ पांडे जी सी नहीं डी होगा, समूह होगा। अब हम लोग आ जा रहे हैं नेक्स्ट सवाल पर। यहां पर हम लोगों ने मित्र मंडली को सामाजिक समूह का उदाहरण माना और नेशन स्टेट को, नगर को और जनजाति को सामाजिक समूह का उदाहरण नहीं माना। अब एक अगला सवाल आपके सामने है, इसका उत्तर सही है डी। अब एक अगला सवाल आपके सामने है तीसरा, निम्न में से कौन सा समूह का उदाहरण है या सामाजिक समूह का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा समूह का उदाहरण है या सामाजिक समूह का उदाहरण है? यहां पर चार विकल्प है। पहला विकल्प है विवाह, मैरिज। दूसरा विकल्प है धर्म, रिलीजन। तीसरा विकल्प है नेशन स्टेट, राष्ट्र राज्य। और चौथा विकल्प है अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, आंसर फटाफट। निम्न में से कौन सा सामाजिक समूह का उदाहरण है या समूह का उदाहरण है? विवाह, मैरिज, धर्म, रिलीजन, राष्ट्र राज, नेशन स्टेट, और डी है अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी। ए बी सी डी। बहुत सारे बच्चों ने लिखा ए, बहुत सारे बच्चों ने लिखा बी, बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं सी, बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं डी। अब ध्यान से देखो बच्चा, यहां पर सी इसका सही उत्तर है। अब पीछे वाले प्रश्न में मैं ही समझाने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि यहां पर विवाह एक संस्था है, विवाह एक संस्था है, धर्म एक संस्था है, अर्थव्यवस्था एक संस्था है। यहां पर दिए गए विकल्पों में से केवल नेशन स्टेट ही है जिसको आप एक समूह के रूप में देख सकते हो। दिए गए विकल्पों में से एक नेशन स्टेट ही है जिसको आप एक मूर्त समूह के रूप में देख सकते हो, इसको मूर्त रूप में देख सकते हो। इसलिए इसका सही आंसर नेशन स्टेट है, सी है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हम लोगों को कंसेप्ट को कैसे समझना है। असली चीज यही है जहां हम मैक्सिमम प्रश्नों को सही मारेंगे, यहां सी है इसका सही आंसर। अब आपने देखा कि पीछे में, इसके जस्ट पीछे वाले सवाल में हमने नेशन स्टेट को नहीं माना समूह, नगर को नहीं माना समूह, जनजाति को नहीं माना समूह, और मित्र मंडली को समूह माना, पीयर ग्रुप को समूह माना। और जस्ट इसके आगे के सवाल में हमने नेशन स्टेट को समूह माना, दोनों सही है। क्योंकि जब हम कंसेप्ट को समझ रहे थे तो हमने देखा कि समूह के अंतर्गत 1, 2, 3, 4, 5, 6 लक्षण होते हैं। अब समूह के 5 लक्षण जो हैं वो मित्र मंडली में मैक्सिमम पाए जाते हैं। बाकी में भी लक्षण पाए जाते हैं। राष्ट्र राज्य व्यक्तियों का एक समूह होता है, बृहद समूह होता है, लेकिन निरंतर अंतःक्रिया या प्रतिमानित संबंधों से सभी जुड़े नहीं होते हैं बड़ा। इसलिए अगर समूह में और नगर में और मित्र मंडली में, समूह और समुदाय में सुमेलित करना हो तो हम नगर को समुदाय के रूप में सुमेलित करेंगे और मित्र मंडली को समूह के रूप में सुमेलित करेंगे। जनजाति को समुदाय के रूप में सुमेलित करेंगे, मित्र मंडली को समूह के रूप में सुमेलित करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो हां, राष्ट्र राज्य की जगह पर नगर भी होता, जनजाति भी होता, तो हम उसको समूह मानते।
क्योंकि बाकी जो तीनों विकल्प है वो संस्था का एग्जाम्पल है, बाकी जो तीनों विकल्प है संस्था का एग्जाम्पल है। इसलिए जब भी हम कंसेप्ट से जुड़े हुए सवाल करते हैं तो हमें एक बार उसके बारे में न केवल हम लोग प्रैक्टिस के माध्यम से, पढ़ने के माध्यम से समझ विकसित करेंगे, बल्कि हमारा कोशिश होगा कि प्रश्नों को करते समय हम इस तरीके से हो कि कहीं पर भी कोई मिस्टेक ना हो, क्योंकि बड़ा सिली मिस्टेक है, लगेगा कि हम सही कर रहे हैं बट हम गलत करके चले आएंगे। तो इतनी सारी बातें मैंने इसलिए बताई कि हम लोग कैसे पढ़ेंगे इस बात को हमें जानना होगा, और इसी को केंद्र में रख करके अब हम एक एक कंसेप्ट को आज से समझना शुरू करते हैं। और जब हम एक एक कंसेप्ट को समझना शुरू करते हैं तो हमारा पहला टॉपिक आता है हमारे सामने, सोसाइटी। ठीक है, कई बार कुछ कंसेप्ट में हम केवल कंसेप्ट को समझ रहे हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि उसको फिर और जगह जहां जहां आएगा वहां डिटेल पढ़ेंगे, उसके बारे में अलग अलग विद्वानों के ढेर सारे विचार पढ़ेंगे। तो आप घबराना मत कि बहुत कम हो गया, यहां पर हमारा फोकस होगा कंसेप्ट की समझ। अगर समाज है तो क्या है, कंसेप्चुअली हम सोसाइटी को क्या कहें। डन, तो हम शुरू करते हैं, आइए आज का टॉपिक मूलभूत अवधारणाएं समाज से। अभी समूह हम लोग पढ़ा नहीं, समूह आगे हम लोग पढ़ेंगे। मैंने एक एग्जाम्पल देकर के समझाने का प्रयास किया। समाज, सोसाइटी, थोड़ा सा समाज के बारे में समझो। सामान्य तौर पर बहुत सारे बच्चे कहते हैं समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। अभी अभी मैंने बताया कि धरती पर आए हमारी जरूरतें थी, अन्य जानवरों की भी जरूरतें थी, अन्य जानवरों से हम विशेष क्षमतावान थे, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए हमने बहुत सारी भौतिक अभौतिक चीजों की रचना कर दी। इन्हीं भौतिक और अभौतिक चीजों से युक्त इस मनुष्य रूपी जानवरों के समूह को ही हम समाज करते। अब ये जो मैंने डिफिनेशन दिया समाज के बारे में, तो आपको लग रहा है कि हम समूह को समाज कह रहे हैं, लेकिन समूह को जब हम समाज कर रहे हैं तो लोग एक दूसरे से जुड़े भी हैं। अब इसी को हम दूसरे एंगल से देखते हैं। हम धरती पर आए, हमारी जरूरत थी, कुछ जरूरतों को हमने अकेले पूरा किया, फल को तोड़ा और खा लिया, बट कुछ हमारी ऐसी आवश्यकताएं थी जिसको हम अकेले पूरा नहीं कर सकते थे, फलतः हमने अपने उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें अन्यों से संबंध बनाना पड़ा, हमें अन्यों से जुड़ना पड़ा। हम एक से जुड़ गए, दूसरे से जुड़ गए, तीसरे से जुड़ गए, बहुत सारी ऐसी आवश्यकताएं थी जिसको हम अकेले पूरा नहीं कर सकते थे। सेक्स की जरूरत अकेले पूरा नहीं कर सकते थे, प्रजनन अकेले पूरा नहीं कर सकते थे, जंगली जानवरों से रक्षा अकेले नहीं कर सकते थे। हमें अन्यों से संबंध बनाना पड़ा, क्रिया करना पड़ा, अंतःक्रिया करना पड़ा, संबंध बनाना पड़ा। इस तरह से हम अन्यों से जुड़ते चले गए और इस संबंधों के जाल से, इस श्रृंखला से, इस जुड़ाव से ढेर सारे लोग, एक समूह बना। इसी समूह को हम समाज कहते। तो अब बारी आती है कि समाज हम समूह को कहते हैं या संबंधों के जाल को कहते हैं, क्योंकि समाज में दो चीजें हैं, समाज मनुष्यों का ही है, समाज और समाज के अंदर कौन, मनुष्य, व्यक्ति, एक विवेकशील प्राणी, एक विशेष क्षमतावान प्राणी। इसलिए सोशियोलॉजी में एक बहुत बड़ा डिबेट है कि मनुष्य बड़ा या समाज बड़ा। आदर्शवादी मनुष्य को महत्व प्रदान करते, संरचनात्मक प्रकारवादी समाज को महत्व प्रदान करते। बहुत सारी ऐसी धाराएं हैं, आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो समाज क्या है, दोनों बातें हमारी सही है। समाज व्यक्तियों का एक बृहद समूह है जो इसमें संस्कृति और सभ्यता नाम की चीज होती है, मनुष्य रूपी जानवरों का एक बृहद समूह जिसमें संस्कृति और सभ्यता नाम की चीज होती है, एक बृहद समूह जिसमें हम पैदा लेते हैं, अपनी सभी जरूरतों को पूरा करते हैं और उसी में मर जाते हैं। ये जो लाइन लास्ट में मैंने कहा, इसमें समाज को अन्य समूह से अलग कर दिया, जैसे मित्र मंडली को हमने समूह माना, बट मित्र मंडली में तो हम अपनी एक जरूरत को पूरा करते हैं, सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते। तो मित्र मंडली समूह हो सकता है, समाज नहीं हो सकता।
बट समाज वो बड़ा वाला समूह है जिसमें हम पैदा लेते हैं, अपनी सभी जरूरतों को पूरा करते हैं और उसी में मर जाते हैं। इसी को हम समाज कहते हैं। लेकिन इन सभी जरूरतों को पूरा करने के क्रम में हम क्रिया अंतःक्रिया करते हैं, संबंधों से जुड़ते हैं, तभी समाज बनता है। तो समाज के मूल में सामाजिक संबंध भी है। इसलिए जब समाज की परिभाषा दी जाती है बच्चा, तो ध्यान रखो सामान्य जो परिभाषा दिख रही है वो यही दिख रही है कि समाज व्यक्तियों का एक समूह है। समाज व्यक्तियों का एक समूह है, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो, जो सामाजिक संबंधों से आबद्ध होता है। समाज व्यक्तियों का एक समूह है, बड़ा वाला समूह है, जहां ढेर सारे लोग होते हैं और ये लोग आपस में सामाजिक संबंधों से जुड़े होते हैं, सामाजिक संबंधों के जाल से आबद्ध होते हैं। तो व्यक्तियों का एक समूह सामाजिक संबंधों से आबद्ध, दो बातें हो गई, जिसकी एक साझी संस्कृति होती है, कॉमन कल्चर, तीसरी बातें हो गई, क्योंकि सामाजिक संबंधों से जब हम जुड़े हुए हैं तो संबंध नियम तौर तरीके के अनुसार हो रहे हैं और जिस नियम तौर तरीके के अनुसार हम आपके साथ व्यवहार कर रहे हैं, आप भी उस नियम और तौर तरीके से सहमत हैं, तभी आप हमारे साथ व्यवहार कर रहे हैं। नियमों पे, प्रतीकों पे, तरीकों पे जब तक सहमति नहीं होगी तब तक सहयोग नहीं होगा, संघर्ष होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, हम लोग मर जाएंगे। तो जिसकी एक साझी संस्कृति होती है, कॉमन कल्चर होता है, उसी कल्चर के अकॉर्डिंगली हम क्रिया अंतःक्रिया करते हैं, अपनी अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं और एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। साझी संस्कृति होती है जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है। अब ध्यान से देखो, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है और जिसमें स्वजाति चेतना होती है। स्वजाति चेतना, कंसेंस ऑफ काइंड, जिसमें स्वजाति चेतना होती है। हमारे सामने समूह, समूह के लोगों के मध्य सामाजिक संबंध, इनसे जुड़ा हुआ एक साझी संस्कृति जिसके तहत क्रिया अंतःक्रिया करके लोग सामाजिक संबंधों से जुड़े होते हैं। एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र जहां लोग रहते हैं, रह करके क्रिया अंतःक्रिया करते हुए अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं और जिसमें स्वजाति चेतना है, एक जैसा होने, एक समान होने की चेतना है। यही चेतना लोगों को एक दूसरे के साथ क्रिया अंतःक्रिया के लिए अभी प्रेरित करती है। यही है समाज का एक डिफिनिशन, कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। फिर मैंने वही रिपीट किया, व्यक्ति, जरूरत, क्रिया अंतःक्रिया, नियम, तौर तरीका जिसके तहत हमने क्रिया अंतःक्रिया किया, एक दूसरे से जुड़ गए, संबंध, समूह, समाज। समाज के लक्षण, अब हम ऊपर के डिफिनेशन को तोड़ते हैं तो समाज के कुछ लक्षण निकल करके सामने आते हैं। पहला लक्षण समाज का है व्यक्तियों का एक समूह, अ ग्रुप ऑफ पर्संस। समाज का डिफिनेशन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में पेज नंबर 625 में समाज को जब डिफाइन किया गया तो अ ग्रुप ऑफ पर्संस के रूप में डिफाइन किया गया। अब आप कहोगे कि मैं कायवर पे समाज को सामाजिक संबंधों के जाल के रूप में डिफाइन करता है, इसलिए मैंने इसको यहां पर डाल दिया। इस कहानी को भी मैं क्लियर करूंगा और फिर हमें क्या स्टैंड लेना होगा वो मैं आपको बताऊंगा। तो समाज का एक पहला लक्षण है कि समाज जो है वो व्यक्तियों का एक समूह है, और छोटा वाला समूह नहीं है, बड़ा वाला समूह है, बड़ा वाला समूह है जिसमें हम पैदा लेते हैं, जिसमें हम अपनी सभी जरूरतों को पूरा करते हैं और जिसमें हम मर जाते हैं। इसी समूह को हम समाज कहते हैं। समाज व्यक्तियों का एक समूह। समाज का दूसरा लक्षण है कि जब व्यक्तियों का एक समूह के रूप में समाज को डिफाइन करते हैं तो समूह का मतलब सामाजिक संबंधों से आबद्ध लोग, यानी समाज के अंदर जो लोग होते हैं वो सामाजिक संबंधों से जुड़े होते हैं। इसलिए समाज की दूसरी आधारभूत जो विशेषता है वो है सामाजिक संबंध। सामाजिक संबंध, दो लक्षण मैंने आपको बता दिया। तीसरा लक्षण है लाइकनेस। तीसरा लक्षण है लाइकनेस।
लाइकनेस का मतलब होता है एक जैसा होना। आप हित हित पढ़ते हो ना, जब भी आप समूह पढ़ते हो, समिति पढ़ते हो, तो हित पढ़ते हो। दो तरह के हितों की चर्चा की जाती है, समान हित और सामान्य हित, लाइक इंटरेस्ट और कॉमन इंटरेस्ट। लाइक इंटरेस्ट की विद्यमानता पर सहयोग और संघर्ष दोनों हो सकता है, लेकिन कॉमन इंटरेस्ट केवल और केवल सहयोग को उत्पन्न करती है। कॉमन इंटरेस्ट मतलब साझा हित, सामान्य हित। लाइक इंटरेस्ट मतलब एक जैसा हित। तो लाइकनेस मतलब एक जैसा होना। तो समाज व्यक्तियों का एक समूह है जहां के सदस्य सामाजिक संबंधों से जुड़े होते हैं, इसमें समानता होती है, कुछ मामलों में एक जैसे होते हैं, मानव है, सबकी जरूरतें एक जैसी है, तो कुछ समानता है, एक जैसापन है, जिसके कारण लोग एक दूसरे से क्रिया अंतःक्रिया करते हैं और अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं। तो समानता भी समाज का एक प्रमुख लक्षण है। तीसरा, बट केवल समानता नहीं, क्या समाज में भिन्नता नहीं होती है? तो ध्यान रखना, समाज में समानता भी होती है और समाज में भिन्नता भी होती है, लेकिन अगर दोनों में आपको चूज करना हो कि समाज के लक्षणों में समानता ज्यादा प्रबल होती है या भिन्नता ज्यादा प्रबल होती है, तो आप कहोगे समानता ज्यादा प्रबल होती है, लाइकनेस ज्यादा प्रबल होती है। भिन्नता जो है, डिफरेंस जो है, वो लाइकनेस के अधीन होता है। समानता ज्यादा प्रबल होगी तभी तो समाज में अंतःक्रिया होगा, सहयोग होगा। डिफरेंस अगर प्रबल होगा तो फिर समाज में जुड़ाव कहां होगा? तो तीसरा लक्षण समानता। चौथा लक्षण भिन्नता, डिफरेंस। और यहां एक स्टेटमेंट मैंने दे दिया है जो क्लियर करेगा कि डिफरेंस इज सबऑर्डिनेट टू लाइकनेस। लाइकनेस प्रमुख, लाइकनेस प्रबल, उसके अधीन डिफरेंस। तो समाज के लक्षणों में लाइकनेस एक लक्षण है, एक जैसा, और फिर उसके अधीन कुछ भिन्नता। इसके बाद पांचवा लक्षण है सहयोग, कॉपरेशन। सहयोग, कॉपरेशन। समाज में हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए जब एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं, तो दूसरा हमारे साथ जब क्रिया अंतःक्रिया करता है तो नियमों पर सहमत होता है, सहयोग करता है। इसलिए सहयोग समाज की प्रमुख विशेषता है। समाज के सभी सदस्य एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए क्रिया अंतःक्रिया करते हैं तभी सबकी जरूरतें पूरी होती हैं, नहीं तो सब लड़के मर जाते। तो सहयोग भी समाज का लक्षण। लेकिन क्या प्रश्न है कि संघर्ष समाज का लक्षण नहीं है? तो संघर्ष भी समाज का लक्षण है, यानी समाज में सहयोग भी होता है, संघर्ष भी होता है। जो डिफरेंस है कई जगहों पर संघर्ष को उत्पन्न करता है, लेकिन फिर मैं कहूंगा कि सहयोग और संघर्ष में आपको विकल्प मिले और चुनाव करना हो तो आप सहयोग को केंद्रीय मानोगे। अगर पूछा जाए कि निम्न में से समाज की केंद्रीय विशेषता क्या है, सहयोग, संघर्ष, डिफरेंस, लाइकनेस हटा दिया जाए तो आपको सहयोग को चुनना होगा, संघर्ष को नहीं चुनना होगा। लेकिन समाज के लक्षणों में कौन कौन शामिल है तो सहयोग को भी लेना होगा और संघर्ष को भी लेना होगा। इसलिए मैंने दे दिया है कि सहयोग प्राथमिक और प्रबल। ये ध्यान से देखो, सहयोग का लक्षण जो है वो समाज में प्राथमिक और प्रबल होता है। यही कारण है कि समाज का निर्माण संभव होता है, समाज की निरंतरता बनी हुई होती है। और छठा लक्षण जो संघर्ष है, कन्फ्लिक्ट है, ये गौण एवं सीमित होता है, समाज में विद्यमान होता है। ऐसा दुनिया का कोई समाज नहीं है जहां संघर्ष ना हो। विभिन्न मुद्दों पर मतभिन्नता है तो मतभिन्नता संघर्ष में तब्दील हो सकती है, हितों के टकराव को लेकर के संघर्ष हो सकता है। तो संघर्ष तो होता ही है, समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों पाया जाता है, लेकिन सहयोग और संघर्ष में सहयोग प्रबल होता है, सहयोग केंद्रीय होता है और संघर्ष गौण होता है। ये ध्यान रहे कि सहयोग और संघर्ष में अगर हमें चुनना हो तो हम सहयोग को केंद्रीय तत्व के रूप में चुनेंगे। इसके बाद मानदंड एवं मूल्य।
समाज की एक विशेषता है, मानदंड एवं मूल्य। मानदंड क्या है, मूल्य क्या है, मोटा मोटी समझो आपकी सामाजिक नियम, समाज द्वारा मान्यता प्राप्त व्यवहार का तरीका। क्योंकि अगर मानदंड और मूल्य नहीं हो, समाज द्वारा मान्यता प्राप्त नियम आदर्श लक्ष्य नहीं हो, तो फिर समाज में अंतःक्रिया, सामाजिक संबंध सब होगा, सहयोग नहीं हो पाएगा। हम नियमों के तहत ही क्रिया अंतःक्रिया करके जरूरतों को पूरा करेंगे ना, समाज नहीं बन पाएगा। इसलिए समाज वैज्ञानिकों ने कहा है कि जहां नियम है वहां समाज है। यही तो विशेषता है मानव समाज की। पशु समाज में नियम नहीं पाया जाता। नियमों का मतलब साझा संस्कृति, रीति रिवाज, प्रथा परंपरा, जिस पे लोग सहमत हो, समाज के लोग सहमत हो। समाज सहमत मतलब समाज के लोग सहमत, और उसी के अनुसार समाज के लोग व्यवहार करेंगे, तभी तो क्रिया अंतःक्रिया संभव होगी। क्रिया अंतःक्रिया होगी, संबंध बनेंगे, संबंध बनेंगे, समूह बनेगा, समाज बनेगा, लोगों की जरूरतें पूरी होगी। तो मानदंड और मूल्य या साझा संस्कृति भी समाज की केंद्रीय विशेषता है। अगला, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र पर भी मैंने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी 625 पेज नंबर डाल दिया, इसलिए कि भी थोड़ा सा कंट्राडिक्शन है, हमारे जीनियस छात्रों के लिए थोड़ा डाउट पैदा करते हैं, क्योंकि निश्चित भौगोलिक क्षेत्र तो समुदाय के साथ जुड़ जाता है, तो इस समाज के लिए हम कैसे निश्चित भौगोलिक क्षेत्र माने। अभी इस समस्या का मैं आपका समाधान करूंगा, पर ध्यान रखिएगा कि जब समाज के लक्षणों की हम बात करते हैं तो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र भी समाज के एक प्रमुख लक्षणों में शामिल है। जहां समाज के सदस्य कहीं रहते हैं, विचरण नहीं करते रहते हैं, घूमते हुए रहते हैं। अगला है परिवर्तनशीलता। परिवर्तनशीलता समाज का एक और लक्षण है कि समाज स्थिर नहीं है बल्कि निरंतर परिवर्तनशील है। समाज स्थिर नहीं होता है बल्कि निरंतर परिवर्तनशील होता, लगातार बदलता रहता है। दुनिया का कोई भी समाज स्थिर नहीं होता है, हर पल, हर मिनट, हर सेकंड परिवर्तित हो रहा होता है। थोड़ा ही सही बदलाव होता रहता है, यह बात अलग है कि कभी बदलाव तीव्र हो जाता है, कभी धीमा हो जाता है, बट परिवर्तन समाज की अनिवार्य विशेषता है, परिवर्तनशीलता। और लास्ट है स्वजाति चेतना, कंसियसनेस ऑफ काइंड, एक जैसा होने की चेतना। इस कंसियसनेस ऑफ काइंड की संकल्पना को एफ एच गिडिंग्स ने दिया है समाज के संदर्भ में, एक जैसा होने की चेतना। हम सब एक जैसे हैं, मानव मात्र के स्तर पर स्वजाति चेतना, एक जैसे हैं, हम सब मानव हैं। हम कुत्ता के साथ रहते हैं, कुत्ता के साथ अंतःक्रिया क्यों नहीं करते हैं, बैल भैंस के साथ अंतःक्रिया नहीं करते। ये एहसास हमें है कि हम सब मानव हैं और हम आपस में एक दूसरे के साथ क्रिया अंतःक्रिया करके अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं, एक जैसा होने की चेतना। ये 10 समाज के आधारभूत लक्षण हैं। अगर हम समाज की संकल्पना की बात करते हैं तो ये 10 लक्षण हमें याद रहने चाहिए, लेकिन काम इससे चलेगा नहीं बच्चा। असली वारी तो आएगी जब हम प्रश्नों को सामने रखेंगे, पर ध्यान रखो समाज का एक मैंने डिफिनेशन दिया और समाज के इन 10 लक्षणों की चर्चा की। यहां पर एक बात क्लियर करना है आपके सामने, 1970 के पहले तक जब सोसाइटी को डिफाइन किया जा रहा था, मैकाइवर पेज की किताब आई थी सोसाइटी, और मैकाइवर पेज ने सोसाइटी का जो डिफिनेशन दिया वो सामाजिक संबंधों के जाल के रूप में दिया। मैकाइवर पेज ने सामाजिक संबंधों के जाल के रूप में मैकाइवर पेज ने डिफाइन किया सोसाइटी को। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। अब हम एक और शब्द और देंगे कि मैकाइवर पेज ने समाज को अमूर्त रूप में परिभाषित किया, एब्स्ट्रैक्ट, अमूर्त, जिसको देखा नहीं जा सकता, संबंधों को देखा नहीं जा सकता। यानी हम कह सकते हैं कि मैकाइवर पेज ने समाज की परिभाषा करते समय, भाई सामाजिक संबंध तो कुत्ते बिल्ली के बीच नहीं ना, व्यक्तियों के बीच ही,
ढेर सारे व्यक्ति होंगे, उन्हीं के भी सामाजिक संबंधों का जाल होगा। अकेले व्यक्ति होगा तो उसके मध्य भी सामाजिक संबंधों का जाल नहीं होगा, ढेर सारे व्यक्ति होंगे तभी सामाजिक संबंधों से आबद्ध होंगे, जुड़े होंगे, जाल बनेगा। तो जहां समाज है वहां सामाजिक संबंधों से आबद्धता भी है, जाल भी है, जुड़ाव भी है और ढेर सारे व्यक्ति भी हैं। अब आपको समाज को देखने का नजरिया क्या है? आप जाल पर फोकस्ड होकर के समाज को डिफाइन करते हैं या व्यक्तियों के समूह पर फोकस्ड होकर के जाल समाज को डिफाइन करते हैं? यदि व्यक्तियों के समूह पर फोकस्ड होकर के समाज को आप डिफाइन करेंगे का मतलब हुआ कि समाज को आप मूर्त रूप में देख रहे हैं। समाज मूर्त है। कई बच्चे हमारे लड़ जाएंगे कि नहीं है, अमूर्त है समाज। सॉल्यूशन मैं दिखाऊंगा आपको, बट समाज मूर्त है। लेकिन यदि हम समाज को डिफाइन करते समय हम समाज के सामाजिक संबंधों पर केंद्रित होकर के समाज को डिफाइन करते, इसका मतलब हम समाज को अमूर्त मानते, समाज को अमूर्त मानते हैं। 1970 के पूर्व तक समाज की परिभाषा में, अब यहां पर ध्यान दो, सामाजिक संबंधों पर विशेष बल दिया गया और इसे अमूर्त रूप में परिभाषित किया गया। मैंने कहा कि मैकाई और पेज ने कहा कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल, लेकिन 1970 के बाद के जो समाज वैज्ञानिक आते हैं वो समाज की परिभाषा देते समय समाज को नेशन स्टेट के रूप में डिफाइन करते हैं, राष्ट्र राज्य के रूप में डिफाइन करते हैं, समाज को समूह के रूप में डिफाइन करते हैं। समाज की परिभाषा देते समय व्यक्तियों के संग्रह पर वो विशेष बल देते हैं, संबंधों के संग्रह से ज्यादा। जॉनसन, जिन्सबर्ग, गिडिंग्स, एफएच गिडिंग्स, एडब्ल्यू ग्रीन, एंथोनी गिडेंस, लेटेस्ट समाज वैज्ञानिकों में एंथोनी गिडेंस, इन सभी लोगों ने समाज को सामाजिक समूह के रूप में डिफाइन किया। इन सभी लोगों ने, ये सभी 1970 के बाद के समाजशास्त्री हैं, इन सभी लोगों ने समाज को डिफाइन करते समय व्यक्तियों के संग्रह पर ज्यादा बल दिया, संबंधों के संग्रह से। समाज व्यक्तियों का बृहद समूह है, समाज सामाजिक समूहों का एक क्षेत्र है, समाज एक ढेर सारे समूहों का संग्रह है, इस रूप में समाज को डिफाइन किया गया। मतलब इन विद्वानों ने समाज को मूर्त रूप में दिखाया, मूर्त रूप में परिभाषित किया, सामाजिक समूह के रूप में समाज को परिभाषित किया। तो 1970 के पूर्व समाज की परिभाषा में सामाजिक संबंधों पर बल और समाज को अमूर्त रूप में परिभाषित किया गया। इस संबंध में मैकाई और पेज, किताब का नाम सोसाइटी, ने समाज को सामाजिक संबंधों के जाल, वेब ऑफ सोशल रिलेशंस के रूप में परिभाषित करते हुए इसके निम्न तत्वों की चर्चा की। जब मैकाई और पेज समाज की परिभाषा देते हैं तो समाज के कुछ लक्षणों की वो चर्चा करते हैं, वो समाज के कुछ लक्षणों की चर्चा करते हैं। पहला रीतियां, यूजेस, दूसरा कार्य प्रणाली, प्रोसीज्योर्स, रीति रिवाज, प्रथा परंपरा, रीतियां, कार्य प्रणाली, अधिकार, ऑथोरिटी और पारस्परिक सहयोग, म्यूचुअल कॉपरेशन। मतलब सामाजिक संबंध लग रहा है कि परिभाषित किया गया है। समाज के जिन चार तत्वों की चर्चा में कई बार पेज करते हैं उन तत्वों को देखो तो लग रहा है कि सामाजिक संबंध को परिभाषित किया जा रहा है। रीतियां, कार्य प्रणाली, अधिकार, पारस्परिक सहयोग, पारस्परिक सहयोग, समूह एवं विभाग। अब उसके बाद वो कहते हैं ग्रुपिंग एंड डिवीजन, मानव व्यवहार का नियंत्रण, कंट्रोल्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, स्वतंत्रता, लिबर्टीज। इन्होंने ये समाज के सात लक्षण बताए और समाज को सामाजिक समूहों के जाल के रूप में डिफाइन किया, समाज को अमूर्त रूप में डिफाइन किया। डन, आगे आइए। 1970 के बाद समाज का प्रयोग राष्ट्र राज्य नेशन स्टेट के अर्थ में किया गया, ठीक है, और इसे मूर्त रूप में परिभाषित किया गया और इसमें सामाजिक समूह या व्यक्तियों के संग्रह को प्राथमिकता दी गई।
जहां व्यक्तियों के संग्रह को प्राथमिकता दी जाएगी, सामाजिक समूह को प्राथमिकता दी जाएगी, निश्चित रूप से समाज मूर्त हो जाएगा, क्योंकि समूह मूर्त होता है, संस्था अमूर्त होता है, पढ़े हुए हो आप, प्राथमिकता दी गई। और इसके लिए समाज शब्द का ही प्रयोग किया गया। मेरी बातों को ध्यान से सुनो, फोकस करो, और समाज शब्द का ही प्रयोग किया गया। और इसमें इन विद्वानों में प्रमुख रहे जॉनसन, एफ एच गिडिंग्स, जिन्सबर्ग, ए डब्ल्यू ग्रीन, एंथोनी गिडिंग्स आदि। क्लियर? यहीं से एक नई संकल्पना का विकास होता है। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनो, सामान्य अर्थों में तो इन्होंने समाज को डिफाइन किया, बट जब डिबेट आया तो अब दो संकल्पनाएं अस्तित्व में आई, सोसाइटी और असोसाइटी, समाज और एक समाज। बहुत सारी परीक्षाओं में, मैं एक लंबे समय तक यूपीएससी के प्रिलिम्स के लिए सोशियोलॉजी पढ़ाता रहा, शायद आप लोगों को जानकारी होगी कि जब नया पाठ्यक्रम लागू हुआ यूपीएससी में, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में, तो उसके पहले दो ऑप्शनल होता था और प्रीलिम्स में दो पेपर होता था, एक पेपर जीएस का होता था, पीटी का, और ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल, और एक पेपर ऑप्शनल का होता था, बच्चा हिस्ट्री पॉलिटी जो भी लेना होता था, सोशियोलॉजी ऑप्शनल सब्जेक्ट रख करके प्रीलिम्स देता था, और उससे 150 प्रश्न पूछे जाते थे ऑब्जेक्टिव टाइप, दोनों पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप होते थे। यूपीएससी के सवालों में ढेर सारे ऐसे प्रश्न हैं, इस प्रश्न से आप कंफ्यूज होकर रह जाओगे कि आखिर क्या है, कंसेप्ट की समझ के लिए जरूरी है इन सब चीजों को जानना। यहीं से दो संकल्पनाएं आती है, यानी एक समाज का मतलब व्यक्तियों का समूह मूर्त, और समाज का मतलब संबंधों का जाल अमूर्त। लेकिन हर जगह एक समाज नहीं है, तो फिर बात वही आ जाती है कि सामाजिक समूह में अगर खेल मित्र मंडली दिया हुआ है और नेशन स्टेट दिया हुआ है तो हम मित्र मंडली को मानेंगे, लेकिन अगर विवाह अर्थव्यवस्था और धर्म दिया हुआ है और नेशन स्टेट दिया हुआ है तो नेशन स्टेट को भी सामाजिक समूह मानेंगे। उसी तरह से समाज की संकल्पना के लिए भी आपको प्रिपेयर रहना होगा कि आपको जैसा प्रश्न वैसा उत्तर। और जब तक इस कंसेप्ट की, इस बात की समझ नहीं होगी तब तक आप प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाओगे। ठीक है, तो ये विद्वान प्रमुख रहे हैं। जॉनसन के अनुसार समाज समूहों का क्षेत्र है। जॉनसन का समाज का डिफिनेशन देखो, समाज समूहों का क्षेत्र है जिसके चार तत्व हैं, निश्चित क्षेत्र डेफिनेट टेरिटरी, प्रजनन विस्तृत संस्कृति और स्वतंत्रता। आपको नहीं लग रहा है कि ये नेशन स्टेट का डिफिनेशन है? मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि 1970 के बाद समाज को एक नेशन स्टेट के रूप में डिफाइन किया गया, इसलिए इसको समाज न कह करके बहुत सारे विद्वानों ने कहा कि एक समाज, भारतीय समाज, जापानी समाज, अमेरिकी समाज, ये एग्जाम्पल एक समाज का है। और मैकाइवर पेज ने जिस समाज को डिफाइन किया वो मानव समाज। तो निश्चित क्षेत्र, प्रजनन विस्तृत संस्कृति और स्वतंत्रता, जॉनसन ने समाज को डिफाइन किया। जॉनसन के बाद आ जाइए एंथोनी गिडिंस के अनुसार समाज व्यक्तियों का समूह है। A society consist of individuals belonging to groups. समाज व्यक्तियों का समूह है। एंथोनी गिडिंस ने भी समाज को मूर्त रूप में डिफाइन किया, कहा कि समाज मूर्त होता है, समाज व्यक्तियों का समूह होता है जो विशेष क्षेत्र में निवास करता है, पार्टिकुलर टेरिटोरी में रहते हैं, जो साझे राजनीतिक सत्ता, कॉमन सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल ऑथोरिटी में सहभागी होते हैं। नेशन स्टेट से सिमिलरिटी दिख रही है, एक 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 देश आप कह सकते हो, भारतीय समाज जो साझे राजनीतिक सत्ता के अधीन होते हैं, अपने आसपास के भिन्न सामाजिक समूहों से अपनी भिन्न पहचान के प्रति अवगत होते हैं। इस समाज के लोग अन्यों से अपनी भिन्न पहचान के प्रति अवगत होते हैं, अवेयर होते हैं, अवेयर ऑफ हैविंग अ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी फ्रॉम अदर ग्रुप्स अराउंड देम। और जो इनका उपरोक्त दोनों विचार
जॉनसन का विचार और एंथोनी गिडिंस का विचार आपने देख लिया। ये 1970 के बाद के समाज वैज्ञानिक है, 1970 के पहले मैकाइवर पेज। उपरोक्त दोनों विचार मैकाइवर के विपरीत। आप लाइन देखो, समाज को मूर्त रूप में देखते हैं जो अवधारणात्मक स्तर पर, ये लास्ट लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो अवधारणात्मक स्तर पर समाज को कम और एक समाज अ सोसाइटी को अधिक परिलक्षित करते हैं। समाज को कम और एक समाज को अधिक परिलक्षित करते हैं, कंसेप्चुअली अगर देखा जाए तो। बट इन्होंने तो समाज को डिफाइन किया था, इन सारे विद्वानों ने, 1970 के बाद के मैक्सिमम विद्वानों ने समाज को सामाजिक समूह के रूप में डिफाइन किया, मूर्त रूप में डिफाइन किया। यहीं से एक समाज की संकल्पना अस्तित्व में आती है। तो उपरोक्त दोनों विचार मैकाइवर के विपरीत है। उपरोक्त दोनों विचारों में समाज को मूर्त रूप में देखा गया है, समाज को समूह के रूप में डिफाइन किया गया है, और कंसेप्चुअली ये विचार समाज को कम और एक समाज अ सोसाइटी को अधिक परिलक्षित करते हैं, राइट। समाज के उपरोक्त विश्लेषण से, समाज के उपरोक्त विश्लेषण से अब हम लोग आते हैं समाज के लक्षणों की चर्चा करते हैं, अब सारे डिबेट के बाद, जिसके आधार पर हम प्रश्नों का उत्तर करेंगे। समाज के उपरोक्त विश्लेषण से समाज के निम्न प्रमुख केंद्रीय लक्षण परिलक्षित होते हैं। इतना समाज के बारे में हमने पढ़ लिया, अब हम देखते हैं कि समाज के निम्न केंद्रीय लक्षण, प्रमुख केंद्रीय लक्षण परिलक्षित होते हैं। पहला लक्षण है सामाजिक संबंध, दूसरा लक्षण है संस्कृति, और तीसरा लक्षण है सामाजिक समूह। ये तीन केंद्रीय लक्षण, ये तीन केंद्रीय लक्षण है। सोशल रिलेशन, सोशल ग्रुप, ये दोनों है ही, बट सोशल रिलेशन हवा में नहीं, संस्कृति। तो सोशल रिलेशन, संस्कृति, सोशल ग्रुप, ये बात अलग है कि मैकाइवर पेज सोशल रिलेशन पर फोकस्ड होकर के सोसाइटी को डिफाइन करते हैं, तो 70 के बाद के समाज वैज्ञानिक सोशल ग्रुप पर फोकस्ड होकर के सोसाइटी को डिफाइन करते हैं। अब हम लोग इसी तीन के संदर्भ में अपने इस अवधारणात्मक समझ को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। ध्यान से देखो, इसी तीन के संदर्भ में, और इस तीन में जो पहला है सामाजिक संबंध, तो आपके सामने पहला आता है सामाजिक संबंध, सोशल रिलेशन। हम लोग जब कंसेप्ट को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हम लोग डिफाइन करते हैं पहले क्रिया को, एक्शन, रिफ्लेक्सिव बिहेवियर और क्रिया, एक्शन, दोनों में अंतर किया जाता है, ध्यान देना। तेज टॉर्च की रोशनी पड़ी और हमारा आंख बंद हो गया, राइट, यहां आंख बंद हुआ, बट इस आंख के बंद होने में हमारा दिमाग कहीं इन्वॉल्व नहीं है, पॉइंट नंबर वन। इस आंख के बंद होने में हमारा कोई उद्देश्य नहीं है कि हमने प्लान करके किसी उद्देश्य से आंख को बंद किया, और इस आंख को बंद होने का कोई मतलब भी नहीं, ये तो बस टॉर्च की रोशनी पड़ी और बंद हो गया, तेज हवा का झोंका आया और हमारा दोनों आंख बंद हो गया, या एक आंख बंद हो गया, एक आंख में कुछ आ गया और आंख बंद हो गया, राइट। दूसरा केस है हम किसी लड़की को देखते हैं और एक आंख मारते हैं, आंख मारते, यहां पर भी आंख बंद हुआ, पर दोनों में अंतर है, एक रिफ्लेक्सिव बिहेवियर है, उसको हम क्रिया नहीं कहेंगे। दूसरा क्रिया का उदाहरण है, एक्शन का उदाहरण है। क्रिया को जब डिफाइन किया जाता है तो क्या कहा जाता है, क्रिया उद्देश्यपूर्ण व्यवहार है, उद्देश्यपूर्ण व्यवहार को क्रिया कहते हैं, अर्थपूर्ण व्यवहार को क्रिया कहते हैं। क्रिया वह व्यवहार है जिसके पीछे कोई ना कोई पर्पस होता है, क्रिया वह व्यवहार है जिसका कोई ना कोई अर्थ होता है, क्रिया वह व्यवहार है जिसमें दिमाग लगा करके कुछ किया जाता है, किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए कुछ किया जाता है। हम धरती पर आए, हमारी जरूरतें थी, जरूरतों को पूरा करने के लिए हमने कुछ किया,
हम दिमाग वाले जीव थे, जानवर थे, हमने दिमाग लगा के कुछ किया। इसलिए कहा जाता है कि जानवर क्रिया नहीं करते हैं, मनुष्य क्रिया करते हैं। और जब हम अपने किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए क्रिया करते हैं, ये क्रिया अकेले भी कर सकते हैं। भूख लगी, देखा फल पेड़ पर है, फिर देखा कि ऊंचाई पर है, डंडा लिया, डंडा को बांधा, तोड़ा, खाया, एक क्रिया है, दिमाग इन्वॉल्व है। कुछ आवश्यकताएं ऐसी होती है जिसको हम अकेले पूरा नहीं कर सकते हैं, तो हम दूसरे की ओर उन्मुख होकर क्रिया करते हैं। क्रिया, हमने आपकी ओर उन्मुख होकर के क्रिया किया, मैं पढ़ा रहा हूं, ये क्रिया है। और जब आप भी हमारे क्रिया का जवाब दे रहे हो, जी सर, हेलो सर, डैश डैश डैश, आप लिख रहे हो, आप भी जब हमारे क्रिया का जवाब दे रहे हो तो आप भी दिमाग इन्वॉल्व करके दे रहे हो, तो क्रिया का एक साइकिल पूरा हो रहा है, राइट? इसको हम कहते हैं अंतः क्रिया। ध्यान से सुनो, क्रिया प्लस क्रिया इक्वल टू अंतः क्रिया, इंट्रैक्शन, एक्शन प्लस एक्शन इक्वल टू इंट्रैक्शन, अंतः क्रिया। अब इस अंतः क्रिया को हम सामाजिक अंतः क्रिया भी कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि यहां मैं हूं और बाकी बाकी आप लोग हो, आप लोग मतलब अदर्स, मतलब सोसाइटी। इसी अंतः क्रिया के माध्यम से क्या हुआ, हम समाज से जुड़ गए, सामाजिक अंतः क्रिया, सोशल इंट्रैक्शन। और इस तरीके से हम एक दूसरे के साथ जुड़ते चले गए। इस जुड़ाव हमारे आपके बीच क्रिया अंतः क्रिया के एक प्रतिमानित रूप से जब हम जुड़ जाते हैं तो इसी जुड़ाव को हम सामाजिक संबंध कहते हैं, सोशल रिलेशन कहते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर है सामाजिक संबंध। यहां एक व्यक्ति अन्यों से जुड़ जाता है, संबंधित हो जाता है। सामाजिक संबंध के लिए जो डिफिनेशन दिया गया है, ध्यान से देखो, किन्हीं उद्देश्यों को लेकर, किन्हीं उद्देश्यों को लेकर, मतलब पर्पसी बिहेवियर, क्रिया किसी उद्देश्य से दिमाग इन्वॉल्व है, किसी उद्देश्य को लेकर दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच। सामाजिक संबंध के लिए कम से कम दो या दो से अधिक व्यक्ति का होना जरूरी है। सामाजिक संबंधों के लिए कम से कम किसी ना किसी उद्देश्य का होना जरूरी है। दोनों चीजें हैं, दो या दो से अधिक व्यक्ति होना चाहिए, कोई ना कोई पर्पस होना चाहिए। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाली अंतः क्रियाओं के आधार पर निर्मित व्यवहार प्रतिमान को सामाजिक संबंध कहते हैं, सामाजिक संबंध कहते हैं, सामाजिक संबंध कहते हैं, सोशल रिलेशन कहते हैं। ये सोशल रिलेशन अल्पकालिक भी हो सकते हैं। माचिस मांगा, सिगरेट जलाया मिस्टर एक्स और अगले स्टॉप पर उतर गया, या दीर्घकालिक भी हो सकते हैं, दोनों के बीच दोस्ती हो गई और एक लंबे समय तक दोनों एक दूसरे के साथ क्रिया अंतः क्रिया करते हुए संबंधित रहे। सामाजिक संबंध अल्पकालिक भी हो सकते हैं, दीर्घकालिक भी हो सकते हैं, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति कुछ उद्देश्यों के साथ एक दूसरे से क्रिया अंतः क्रिया करते हैं और व्यवहार प्रतिमानों से जुड़ जाते हैं, तो इसी जुड़ाव को हम सामाजिक संबंध। डन, इस स्लाइड का यही मतलब है। मानवीय या सामाजिक या सांस्कृतिक संबंधों के निर्माण की कुछ पूर्व शर्तें होती है, प्रीरिक्विजिट्स। सामाजिक संबंध अभी हम पढ़े, सामाजिक संबंधों के निर्माण के लिए कुछ पूर्व शर्तों का पूरा होना जरूरी है। सामाजिक संबंधों के निर्माण के लिए कुछ प्रीरिक्विजिट्स, मतलब वो शर्तें अगर पूरी नहीं हो तो सामाजिक संबंध का निर्माण नहीं होगा। वो शर्तें यदि पूरी नहीं हो तो सामाजिक संबंध का निर्माण नहीं होगा। मानवीय या सामाजिक, मानवीय संबंध, सामाजिक संबंध, सांस्कृतिक संबंध, ऐसे इसको देखो, मानवीय संबंध, सामाजिक संबंध, सांस्कृतिक संबंधों के निर्माण की पूर्व शर्तें। पहला, एक से अधिक व्यक्तियों का होना, मतलब कम से कम दो या अधिक व्यक्तियों का होना सामाजिक संबंध की एक प्रीरिक्विजिट से आवश्यक शर्त है। अब अकेले हम कहीं पर खड़े हो तो
तो हम क्रिया तो कर सकते हैं, अंतःक्रिया नहीं कर सकते हैं, संबंध नहीं बन सकता। कम से कम दो व्यक्तियों का होना जरूरी है, पहला। दूसरा, अच्छा ध्यान देना, ये व्यक्ति भौतिक रूप से भी एक साथ हो सकते हैं या अभौतिक रूप से भी, मतलब हम आमने सामने उपस्थित भी हो सकते हैं या फिर दूर दूर रह के की भी अंतःक्रिया कर सकते हैं। एक फिल्म आई थी जहां एक लड़की एक व्यक्ति को पत्र लिखती है और पत्र लिखते लिखते दोनों में मोहब्बत हो जाता है, दोनों ने एक दूसरे को देखा नहीं था, कहीं से भी फिजिकल प्रेजेंटेशन दोनों के बीच नहीं था, दोनों भौतिक रूप से एक दूसरे के सामने उपस्थित नहीं थे, पर दोनों संबंध से जुड़ गए, प्यार के संबंध से जुड़ गए। टेलीफोन से हम किसी से बात करते हैं, हम आपके साथ देखिए जुड़े हुए हैं आपके सामने, हम लोग आमने सामने भौतिक रूप से उपस्थित नहीं है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हम लोगों के बीच क्रिया हो रही है, अंतःक्रिया हो रही है, संबंध भी बन रहे हैं, अंतःक्रियात्मक संबंध बन रहे। तो एक से अधिक व्यक्तियों का होना, भौतिक या अभौतिक दोनों तरह की उपस्थिति, यानी दो या दो से अधिक व्यक्ति चाहे भौतिक रूप से चाहे अभौतिक रूप से उपस्थित होने चाहिए। दूसरा, स्वजाति चेतना, मानव जाति के स्तर पर स्वजाति चेतना। अब इस बात को ध्यान में रखना, मैंने पहले ही बताया कि एंथोनी गिडिंस ने बार बार इस शब्द का प्रयोग किया, वो कहते हैं कि जब तक इस बात की चेतना नहीं होगी कि हम सभी मानव हैं, तब तक हम क्रिया अंतःक्रिया कर ही नहीं सकते हैं, सामाजिक संबंध बनेगा ही नहीं। तो स्वजाति चेतना होनी चाहिए, कॉन्शसनेस ऑफ काइंड का होना जरूरी है। दो या दो से अधिक व्यक्ति, स्वजाति चेतना, स्वजाति चेतना दो हो गया। अब आगे बढ़िए, यहां पर स्वजाति चेतना के बारे में एक नोट मैंने दे दिया है, ध्यान से देखिएगा। स्वजाति चेतना कंसिस्टेंस ऑफ काइंड की अवधारणा का विकास एफएच गिडिंग्स द्वारा समाज के एक ऐसे भाग की अभिव्यक्ति के लिए किया गया जिसमें एक समूह के सदस्य यह अनुभव करते हैं कि अगले स्लाइड पे जाइए, वे समान विचारों लक्षणों तथा परिस्थितियों द्वारा आबद्ध हैं। यही चेतना युद्धचारिता, ग्रिगेरियस इंस्टिंक्ट को समाज के रूप में बदलती है। यह चेतना जानवरों में नहीं होती है, जानवर भी समूह में रहते हैं, चींटियां भी समूह में रहती है, हम आएंगे समाज और पशु समाज में अंतर करेंगे, ये दोनों समूह में रहते हैं, लेकिन उस समूह में ग्रिगेरियस इंस्टिंक्ट के कारण रहती है, एक इंस्टिंक्ट होती है। बहुत सारे जानवर हैं जो अकेले रहते हैं, वो समूह में रहना पसंद नहीं करते, हम आगे चर्चा करेंगे। तो स्वजाति चेतना मतलब हम समान एक जैसे विचारों लक्षणों और परिस्थितियों से जुड़े हुए हैं, इस बात की चेतना को स्वजाति चेतना कहते हैं। तो दो लक्षण हो गया, दो या दो से अधिक व्यक्ति का होना, स्वजाति चेतना होना। तीसरा है पारस्परिक जागरूकता, सामाजिक संबंधों के लिए पारस्परिक जागरूकता का होना जरूरी। ये पारस्परिक जागरूकता क्या है, मैं आपके साथ बोल रहा हूं आपके सामने और आप उधर देख रहे हो, मेरी बातों को ध्यान से सुनो, मैं आपसे कुछ मांग रहा हूं और आप उधर देख रहे हो, यहां क्रिया हो रही है क्योंकि मैं जो कर रहा हूं उसमें दिमाग इन्वॉल्व है, पर्पस उद्देश्य, कुछ मांग रहा हूं, भाषा का प्रयोग कर रहा हूं, तरीके से मांग रहा हूं, बट यहां क्रिया हो रही है, अंतःक्रिया नहीं हो रही, क्रिया का जवाब नहीं आ रहा, और क्रिया का जवाब नहीं आ रहा है तो संबंध कहां से बनेंगे। संबंध बनने के लिए तो क्रिया का जवाब आना जरूरी है, और क्रिया का जवाब तभी आएगा ना जब आप भी हमारी तरफ अवेयर हो, तो मैं भी आपकी ओर उन्मुख हूं अवेयर हूं और आप भी हमारी ओर उन्मुख हो अवेयर हो, ऐसे पारस्परिक जागरूकता, दोनों एक दूसरे के प्रति अवेयर हो, एक क्रिया करेगा और फिर ये क्रिया का जवाब देगा, ये दिमाग को इन्वॉल्व करके क्रिया करेगा, दूसरा क्रिया का जवाब देगा दिमाग को इन्वॉल्व करके, तब अंतःक्रिया होगी, अंतःक्रिया से अंतःक्रियात्मक संबंध बनेंगे, सामाजिक संबंध बनेंगे। तो सामाजिक संबंधों के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना, स्वजाति चेतना, क्लियर है, पारस्परिक जागरूकता, और फिर बारी आती है पारस्परिक जागरूकता अंतःक्रिया, और अंतःक्रिया होगा तभी दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और तभी जाकर के सामाजिक संबंध बनेगा। तो चौथा लक्षण है अंतःक्रिया, पारस्परिक जागरूकता, म्यूचुअल अवेयरनेस,
और सामाजिक अंतःक्रिया सोशल इंटरेक्शन का होना। यहीं से सामाजिक संबंध बनता है, संबंध बनता है तो दो या दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, इस जुड़ाव से समूह बनता है, इसी समूह को हम समाज कहते हैं। तो सामाजिक संबंध के लिए ये चार पूर्व शर्तें समाज वैज्ञानिकों ने बताया है। बच्चा सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक अंतःक्रिया, अब जब हम अंतःक्रिया करते हैं, मेरी बातों को ध्यान से सुनो, क्रिया सामाजिक अंतःक्रिया के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना जरूरी है। हम हैं, आप हैं, हमने कहा, आपकी ओर उन्मुख होकर के कुछ भी कहा, आप भी हमारी ओर उन्मुख हैं। दो या दो से अधिक व्यक्ति हैं, नंबर वन। नंबर टू, स्वजाति चेतना है। नंबर थ्री, पारस्परिक जागरूकता है। अब मिस्टर अनुराधा सिंह, मैं आपकी ओर उन्मुख होकर के कह रहा हूं, टोंगू पो, टोंगू पो, टोंगू पो, अनुराधा सिंह, टोंगू पो, क्रिया हो रही है लेकिन अनुराधा का कोई जवाब नहीं आ रहा। बादल चौधरी, टोंगू पो, क्रिया हो रही है लेकिन बादल चौधरी का कोई जवाब नहीं आ रहा। दो या दो से अधिक व्यक्ति हैं, हम हैं, बादल चौधरी हैं, अनुराधा है, स्वजाति चेतना है, पारस्परिक जागरूकता है, दोनों एक दूसरे के प्रति जागरूक है, उन्मुख है, मैं सुना रहा हूं, आप भी सुन रहे हो, मेरी तरफ उन्मुख हो, मैं क्रिया कर रहा हूं, किसी उद्देश्य को लेकर के क्रिया कर रहा हूं लेकिन अंतःक्रिया नहीं हो रही। ना तो अनुराधा की तरफ से मेरे प्रश्न का उत्तर मिला और ना ही बादल चौधरी की तरफ से मेरे प्रश्न का उत्तर मिला। क्यों नहीं मिला? इसलिए नहीं मिला कि हमारी बात को अनुराधा या बादल नहीं समझ पाए, वो समझ ही नहीं पाए। जवाब कहां से देंगे? समझने के लिए संचार का होना जरूरी है, कम्युनिकेशन का होना जरूरी है, और कम्युनिकेशन के लिए सिंबल का होना जरूरी है, प्रतीक का होना जरूरी है। मैं तो दूसरे भाषा में कह रहा था, टोंगू पो, टोंगू पो, टोंगू पो, लेकिन इस टोंगू पो भाषा को जान ही नहीं पा रहे थे। अब मैं हिंदी भाषा में इनसे बात करता हूं, अनुराधा या बादल चौधरी, आप किस शहर के रह, किस राज्य के रहने वाले हो? बादल चौधरी, आप किस राज्य के रहने वाले हो? आप आंसर दो। अनुराधा, आप किस राज्य की रहने वाली हो? बिपिन गौर, आप किस राज्य के रहने वाले हो? यहां क्रिया हुआ, कम्युनिकेशन हुआ, संचार, हमारी बातें बादल चौधरी तक, अनुराधा तक पहुंची। बादल चौधरी ने कहा यूपी से, बादल चौधरी ने भी जवाब दे दिया, क्रिया का जवाब, क्रिया प्लस क्रिया, एक्शन प्लस एक्शन इक्वल टू इंटरेक्शन, अंतःक्रिया हो गया और हम संबंधित हो गए। तो सामाजिक अंतःक्रिया के लिए दो या दो से अधिक व्यक्ति का होना, स्वजाति चेतना होना, पारस्परिक जागरूकता होना, बट केवल पारस्परिक जागरूकता से काम नहीं चलेगा, पारस्परिक जागरूकता के बाद संचार का होना, कम्युनिकेशन का होना। हमारी बातें वहां तक पहुंच जाना, कम्युनिकेशन होना, अर्थबोध होना, वो अर्थ लगाएगा तब जवाब देगा। तब जाकर अंतःक्रिया होगी। तो सामाजिक अंतःक्रिया का डिफिनेशन आपके सामने है, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे से अभिप्रेरित होकर, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे से अभिप्रेरित होकर, मोटिवेटेड, मोटिवेटेड बाई इच अदर, अर्थपूर्ण क्रिया करते हैं, उद्देश्यपूर्ण क्रिया करते हैं, परपसिव एक्शन, मीनिंगफुल एक्शन, तब इसे सामाजिक अंतःक्रिया कहा जाता है, इसी को सोशल इंटरेक्शन कहते हैं। यही है सोशल इंटरेक्शन, दो या दो से अधिक व्यक्ति
एक दूसरे की ओर अभिप्रेरित होकर, पारस्परिक जागरूक होकर अर्थपूर्ण क्रिया करते हैं, उद्देश्यपूर्ण क्रिया करते हैं, संचार युक्त क्रिया करते हैं, इसी को सामाजिक अंतःक्रिया कहते हैं, इसको सोशल इंटरेक्शन। आगे पढ़ते हैं हम लोग सामाजिक अंतःक्रिया के तत्व। आ जाइए, आपके सामने है सामाजिक संपर्क, सोशल कॉन्टैक्ट। ये प्रत्यक्ष हो सकता है आमने सामने, परोक्ष हो सकता है दूर दूर का। सामाजिक अंतःक्रिया में सकारात्मक भी हो सकता है, मैं अभी गाली दूंगा बिपिन गौर को, वो भी गाली दे देंगे, क्रिया हुआ, अंतःक्रिया हुआ, लेकिन ये नकारात्मक हुआ। नजदीक रहे, हमने उनकी पिटाई की, उन्होंने भी मेरी पिटाई की, संघर्ष, ये नकारात्मक अंतःक्रिया का उदाहरण है। सहयोग सकारात्मक अंतःक्रिया का उदाहरण। तो सामाजिक संपर्क प्रत्यक्ष हो सकता है, परोक्ष हो सकता है, सकारात्मक हो सकता है, नकारात्मक हो सकता है, कॉन्टैक्ट। दूसरा कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन संचार, हमने कहा और आपने समझा, टोंगू पो नहीं समझा, हमने कहा किस शहर के रहने वाले हो, आप समझ गए, आपने उत्तर दे दिया, कम्युनिकेशन हुआ, अर्थबोध हुआ, तब आपने जवाब दिया, हमने कहा और आपने हमारी बातों को समझा। कैसे समझा? कि मैं आपके राज्य का नाम पूछ रहा हूं, क्या कारण था इस संचार का, क्या कारण था? हमारी बात को आपके द्वारा समझ लिया गया, अर्थबोध हुआ, इसका क्या कारण था? क्योंकि अर्थबोध नहीं होता तो आप जवाब नहीं देते, संचार नहीं होता तो आप जवाब नहीं देते, आपने कैसे दिया? तो इसलिए दिया कि हमने भाषा का प्रयोग किया। व्हाट इज भाषा? प्रतीक। इसी के लिए एक शब्द यूज किया जाता है, सिंबल, प्रतीक। कहा जाता है कि मनुष्य एकमात्र ऐसा जानवर है जिसमें प्रतीक निर्माण की क्षमता होती है। हम ही ऐसे जानवर हैं जो प्रतीकों का निर्माण करते हैं, हम ही ऐसे जानवर हैं जो क्रिया अंतःक्रिया में प्रतीकों का प्रयोग करते हैं, हम ही ऐसे जानवर हैं जो भाषा का प्रयोग करते हैं और भाषा का प्रयोग करके एक दूसरे के साथ क्रिया अंतःक्रिया संपादित करते हैं। भाषा एक प्रतीक है, प्रतीक को जब हम डिफाइन करते हैं, सिंबल को, तो हम कहते हैं प्रतीक वह वस्तु होता है, वह विचार होता है, कोई भी चीज जो किसी अन्य वस्तु विचार को रिप्रेजेंट करता है। भाषा अपने आप में एक प्रतीक है। दो हड्डियों को ऐसे क्रॉस करके रख दिया जाता है, मतलब खतरा, ये सिंबल है, ये सिंबल है। हॉस्पिटल का आपने देखा होगा, एक सिंबल है, चिन्ह जो किसी अन्य विचार घटना को रिप्रेजेंट करे, इसको सिंबल, प्रतीक। भाषा एक प्रतीक है और उस पर हम समान अर्थ रखते हैं। मैंने कहा पिन दो, तो पिन शब्द जो है वो एक ऐसे यंत्र को रिप्रेजेंट करने वाला शब्द है। पिन एक प्रतीक हुआ, सिंबल हुआ, जिसे लिखा जाता है, और इसके अर्थ के बारे में आप भी जानते हो, कॉमन अर्थ है, सामान्य अर्थ है। तो मैं कहूंगा पेन दो, तो आप पेन दे दोगे, पेन दो, ये हमने प्रतीक का प्रयोग किया, पेन सिंबल है, इसके अर्थ से आप अवगत हो, कम्युनिकेट हुआ, आप तक पहुंच गया, आपने पेन दे दिया। मैंने कहा सोंगमो, आप नहीं समझे, तिब्बती भाषा में सोंगमो, सोंगमो का मतलब होता है पेन, लेकिन हमने तिब्बती भाषा का प्रयोग किया, यहां क्रिया तो हो रही है लेकिन उस भाषा प्रतीक जो हमने यूज किया है उस पर आप कॉमन अर्थ नहीं रखते हो बच्चा, तो कम्युनिकेशन नहीं होगा, हमारी बात आप तक पहुंचेगी नहीं, और नहीं पहुंचेगी, आपको अर्थबोध नहीं होगा और आप जवाब नहीं दोगे, क्रिया नहीं करोगे, अंतःक्रिया नहीं होगी। तो सामाजिक अंतःक्रिया के तत्वों में सामाजिक संपर्क, संचार, कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन के लिए क्या है जरूरी बच्चा? प्रतीकों का अर्थपूर्ण आदान प्रदान, प्रतीकों का अर्थपूर्ण आदान प्रदान, तभी कम्युनिकेशन होता है, तभी हमारी बात अन्यों तक पहुंचती है और अन्य उसका जवाब देते हैं। सामाजिक संबंध,
मानव और पशु दोनों में विद्यमान होते हैं। लास्ट लाइन देखो, अब हम लोग थोड़ा क्वेश्चन करेंगे, तुरंत प्रैक्टिस करेंगे जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है। सामाजिक संबंध मानव और पशु दोनों में विद्यमान होते हैं, लेकिन मानवीय सामाजिक संबंध पशुओं से भिन्न होता है। समाज वैज्ञानिकों ने कहा कि सामाजिक संबंध दोनों में होता है। लेकिन पशुओं के बीच जो सामाजिक संबंध है वो बेसिक इंस्टिंक्ट द्वारा भी प्रेरित होती है, और मनुष्यों के बीच जो सामाजिक संबंध है वो संस्कृति द्वारा निर्धारित होता है। रीति रिवाज, प्रथा, परंपरा, नियम, व्यवहार के तरीके, हम उसके अनुसार एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं, सामाजिक संबंध बनाते हैं। तो हमारे सामाजिक संबंधों का निर्धारक संस्कृति है। हमारा सामाजिक संबंध संस्कृति के द्वारा निर्धारित होता है। हमारा सामाजिक संबंध जो होता है, सामाजिक अंतःक्रिया जो होती है, मूल्यों, मान्यताओं, नियमों, तौर तरीकों द्वारा निर्धारित होती है। और पशुओं के बीच जो अंतःक्रिया होती है उनकी बेसिक इंस्टिंक्ट द्वारा निर्धारित होती है। उन्होंने कोई रीति रिवाज, प्रथा, परंपरा विकसित नहीं किया है। सामाजिक संबंध मानव और पशु दोनों में विद्यमान होते हैं, लेकिन मानवीय सामाजिक संबंध पशुओं से भिन्न होता है, जहां पशुओं में सामाजिक संबंध का आधार मूल प्रेरणाएं, बेसिक इंस्टिंक्ट होती है, वहां मानवीय संबंधों का आधार संस्कृति, कल्चर होता है। क्लियर है? नोट यहां ध्यान दीजिए, प्रतीक का यहां नोट में मैंने अर्थ दो लाइन में दे दिया है, सिंबल का, कि कोई क्रिया या वस्तु जो किसी अन्य क्रिया या वस्तु या विचार को रिप्रेजेंट करती है उसको प्रतीक कहा जाता है। जैसे अभिवादन का कोई भी ढंग सम्मान का प्रतीक है, हम ऐसे प्रणाम करते हैं, ये सम्मान का प्रतीक है। लेकिन वहीं पर आप जापान में चले जाओगे तो वो एक दूसरे को देख करके ऐसे झुक जाते हैं। वहां पर सम्मान का प्रतीक एक दूसरे को देख के झुक जाना है। और वही जापानी यदि आयरलैंड में जाकर के एक दूसरे को देख करके झुक जाए तो लोग वहां पिटाई करेंगे, क्योंकि वहां पर किसी को देख के झुक जाना गाली देने के बराबर है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अलग अलग समाज की विशेष घटना को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ कॉमन चिन्ह को विकसित करते हैं, उस पर समान अर्थ रखते हैं। ऐसा मानव समाज ही कर सकता है, मनुष्य ही करते हैं, इसी को हम प्रतीक कहते हैं। कोई क्रिया या वस्तु जो किसी अन्य क्रिया या वस्तु या विचार का प्रतिनिधित्व करती है प्रतीक कहलाती है। जैसे अभिवादन का कोई भी ढंग सम्मान का प्रतीक है। ये पेन शब्द जो है वो इस एक यंत्र का प्रतीक है जिसके द्वारा लिखा जाता है। ग्लास देना, ग्लास शब्द जो है ग्लास, वो एक ऐसे बर्तन का प्रतीक है जो कि एक विशेष रूप में होता है। डैश 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 डन। संस्कृति समाज का पहला तत्व क्या था, अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था। समाज का पहला तत्व था सामाजिक संबंध, जिसके बारे में अभी हमने चर्चा की। दूसरा था संस्कृति और तीसरा था समूह। अब थोड़ी संस्कृति पे हम चर्चा कर लें, थोड़ा सा। इसके बारे में बहुत डिटेल नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, अलग से एक चैप्टर है इसके ऊपर। पिछले विवेचन से स्पष्ट है कि मानव समाज का एक अन्य प्रमुख लक्षण कल्चर है। कल्चर मतलब हर्शकोविट्स के शब्दों में पर्यावरण का मानव निर्मित भाग, आज के शब्दों में पर्यावरण का मानव निर्मित अभौतिक पक्ष, रीति रिवाज, प्रथा, परंपरा, इन्हीं सब के लिए हम संस्कृति शब्द का प्रयोग करते हैं, जो अमूर्त होता है। रीति रिवाज, प्रथा, परंपरा, मूल्य, मानदंड, ये सभी संस्कृति के पाठ है और समाज की केंद्रीय विशेषता है। मानव समाज और पशु समाज, पशुओं में भी समाज के लक्षण होते हैं। पशु समाज से इसीलिए मानव समाज को अलग किया जाता है क्योंकि मानव समाज के पास संस्कृति नाम की चीज पाई जाती है, कल्चर नाम की चीज पाई जाती है। क्लियर? तो मानव समाज का एक प्रमुख लक्षण है संस्कृति। मनुष्य की जैविकीय विशेषताएं मानव संस्कृति के निर्माण में प्रत्यक्ष रूप से योगदान देती है। मनुष्य की जैविकीय विशेषताएं
मानव संस्कृति के निर्माण में प्रत्यक्ष रूप से योगदान देती है। अन्य जानवर संस्कृति का निर्माण इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि उनमें मनुष्य जैसी विशेष क्षमता नहीं थी। क्या विशेष क्षमता? समृद्ध मस्तिष्क। सीधा खड़ा होने की क्षमता, हाथों की बनावट, संस्कृति और सभ्यता के निर्माण में ये मानव की विशेष क्षमताएं महत्वपूर्ण रही है। तो मनुष्य की जैविकीय विशेषताएं मानव संस्कृति के निर्माण में प्रत्यक्ष रूप से योगदान देती है, जो निम्न है। पहला, दो पैरों पर खड़े होने की क्षमता। यह बनमानुष में भी होती है बच्चा, लेकिन बनमानुष से मानुष में ज्यादा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, सीधा दो पैरों पर खड़ा होने की क्षमता। दूसरा, पाक ग्राही हाथ और विशिष्ट अंगूठा, जिससे हम औजारों का उपयोग कर सकते हैं। ये मनुष्य रूपी जानवर की विशेषता है। अन्य जानवरों में ऐसी शारीरिक विशिष्टताएं नहीं होती है। और ध्यान देना, इस दूसरे लक्षण के नीचे मैंने लिखा है सर्वाधिक प्रमुख लक्षण। अगर संस्कृति के निर्माण में सारे लक्षण दिए जाएं तो सर्वाधिक प्रमुख लक्षण पाकग्राही हाथ को माना जाता है। तीसरा, भाषा निर्माण की क्षमता, अर्थात क्रमबद्ध बोलने की क्षमता। और चौथा, तार्किक समृद्ध मस्तिष्क, एक रिच माइंड। ये मनुष्य की वो अद्भुत विशेषता है जिसके बल पर मनुष्य संस्कृति और सभ्यता का निर्माता बना। हम धरती पर तो आए थे बंदर से उद्विकासित होकर के जानवर के रूप में, लेकिन देखो आज हमने क्या क्या बना डाला। आज हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं और आप लोग बैठ के ऑनलाइन क्लास देख रहे हो। ये सब मानव द्वारा निर्मित चीजें हैं। और अन्य जानवरों को देखो, हजारों वर्ष पहले गाय जैसे घास खाती थी, आज भी वैसे ही खाती है। कोई ग्रास बिरयानी नहीं, ग्रास कटलेट नहीं, ग्रास कोफ्ता नहीं, कुछ नहीं बनाती है। हजारों वर्ष पहले पंछी जिस प्रकार से घोंसले में रहते थे, वो आज भी वैसे ही रहते हैं। कोई फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, डाइनिंग हॉल, ड्राइंग हॉल, कुछ नहीं। और हम लोग गुफा में रहते थे, केला बिना छिलका उतारे खाते थे। और आज देखो, ये सब कुछ हमारी विशेष क्षमताओं के कारण संभव है। ये चारों क्षमता हमने आपको बताया, इसीलिए मनुष्य संस्कृति का निर्माण करने में सक्षम हुआ, जो पशुओं के पास नहीं होती, जो पशुओं के पास नहीं होती, राइट? कुछ विद्वानों ने पशुओं में भी समाज के अस्तित्व को स्वीकारा है, क्योंकि इनमें भी, यहां थोड़ा सा ध्यान दो, बहुत सारे विद्वानों ने कहा कि पशुओं में भी समाज के लक्षण पाए जाते हैं। जैसे चींटियों को आपने देखा होगा बचपन में, यदि गौर से आप चींटियों को देखते हो तो चींटियां जब लाइन से जा रही होती है और एक दूसरी चींटी उधर से एक लाइन की चींटियां आ रही होती है, सभी चींटियां एक दूसरे के साथ 0.001% मिनट सेकेंड ही सही हाय हेलो जरूर करती है। कभी आप गौर करना, एक चींटी जा रही है, दूसरी उधर से आ रही है, कई आ रही है, एक चींटी को फोकस करो, देखो दूसरे से एक सेकंड के लिए थोड़ा मुंह सटाती है, फिर दूसरे से, फिर तीसरे से, चौथे, सारे से वो हाय हेलो करती जाती है। कहा जाता है कि अंतःक्रिया की अद्भुत क्षमता चींटियों में पाई जाती है। हाथियों में लीडरशिप की क्षमता की पहचान की है। मधुमक्खियों में अनुशासन सबसे ज्यादा पाया जाता है। मधुमक्खी पालन के बारे में आप समझे होंगे कि कैसे एक रानी मक्खी के निर्माण से पूरा का पूरा मधुमक्खी पालन संभव हो जाता है। अनुशासन की विशेषता मधुमक्खियों में पाया जाता है। लीडरशिप क्वालिटी हाथियों में पाया जाता है। इंटरेक्शन की क्षमता चींटियों में। लेकिन इन्हीं सब क्षमताओं के कारण कुछ लोगों ने कहा कि पशुओं में भी समाज होता है, लेकिन एक चीज पशुओं में नहीं होता है। पशु भी झुंड में रहते हैं, समूह में रहते हैं, बट एक चीज पशुओं में नहीं होता है, एक चीज पशुओं के पास नहीं है, और वह है संस्कृति। संस्कृति, संस्कृति। मानव समाज संस्कृति युक्त समाज है, लेकिन पशु समाज एक जैविकीय समाज है। इस को डिस्कस कर लेते हैं। कुछ विद्वानों ने पशुओं में भी समाज के अस्तित्व को स्वीकारा है, क्योंकि इनमें भी सामूहिकता के साथ साथ व्यवस्थित जीवन दिखाई देता है। हाथियों में नेतृत्व युक्त जीवन, इनमें भी परस्पर सहयोग, मधुमक्खियों में श्रम विभाजन के रूप में और संघर्ष के रूप में सामाजिक संबंध पाए जाते हैं। यहां पर भी परस्पर सहयोग होता है, संघर्ष होता है। इनमें भी
मुख्यतः चींटी, मधुमक्खी, हाथी में समाज के लक्षण प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। हॉविल उपरोक्त सभी तथ्य स्पष्ट करते हैं कि समाज मानव और पशु दोनों में विद्यमान होता है। समाज मानव और पशु दोनों में विद्यमान होता है, परंतु पशु समाज एक जैविकीय सामाजिक व्यवस्था है, जबकि मानव समाज एक सांस्कृतिक सामाजिक व्यवस्था है। एक इंग्सले डेविस का स्टेटमेंट है, पशु समाज एक जैविकीय सामाजिक व्यवस्था है, जबकि मानव समाज एक सांस्कृतिक सामाजिक व्यवस्था है। समाज के लक्षण तो पशुओं में है, थोड़ा बहुत अंतःक्रिया है, लीडरशिप है, अनुशासन है, बट संस्कृति नाम की चीज नहीं है। वो रीति रिवाज, प्रथा, परंपरा के अनुसार जीवन नहीं जीते। उनके क्रिया अंतःक्रिया उनके बेसिक इंस्टिंक्ट द्वारा निर्धारित होते हैं, और हमारे क्रिया अंतःक्रिया हमारी संस्कृति द्वारा निर्धारित होते हैं। क्लियर? मानव समाज और पशु समाज में अंतर है, लास्ट टॉपिक है, आप इसके बाद मैं क्लास ओवर करूंगा। मानव समाज और पशु समाज में अंतर क्लियर हो गया। अभी मानव समाज में संचार भाषा के माध्यम से होता है, भाषा को हमने विकसित किया है, ये जानवरों के पास नहीं होती है, जानवरों में बोली होती है, भाषा नहीं। तो मानव समाज में संचार भाषा के माध्यम से होता है, क्योंकि केवल मनुष्य में ही प्रतीक निर्माण की क्षमता होती है। ध्यान देना, केवल मनुष्य में ही प्रतीक निर्माण की क्षमता होती है, जबकि पशुओं में संचार संकेतों के माध्यम से होता है। एक जानवर चिल्लाएगा, अगर शेर आ गया तो बाकी जानवर एक आवाज देंगे और बाकी जानवर समझ जाएंगे और भाग जाएंगे, संकेतों के माध्यम से होता। दूसरा, पशुओं की अपेक्षा मनुष्य में सीखने की क्षमता अधिक होती है। हमारे पास सीखने की क्षमता ज्यादा है पशुओं की तुलना में। तीसरा, पशुओं की अपेक्षा मनुष्य में नैतिकता का बोध होता है, उचित अनुचित, क्या उचित है क्या अनुचित है, ये हम महसूस करते हैं। अंतःकरण की आवाज हमारे पास है, जिसके तहत हम क्या उचित है क्या अनुचित है को डिसाइड करते हैं, जानवर ऐसा नहीं करते। तो नैतिकता का बोध भी मानव समाज की विशेषता है, मनुष्य की विशेषता है, पशुओं की नहीं। मनुष्य में पशुओं से अधिक संवेदनशीलता होती है। संवेदनशीलता की यदि बात करते हैं तो मनुष्य पशु से ज्यादा संवेदनशील होता है। कभी आप मोहब्बत में किसी जानवर को किसी जानवर के लिए सुसाइड करते हुए नहीं देखोगे। हमारे यहां तो आए दिन लड़के लड़कियां मोहब्बत में एक दूसरे के लिए जान दे देते, लेकिन कभी किसी जानवर को किसी अन्य जानवर से, मेल जानवर को फीमेल जानवर के लिए सुसाइड करते हुए, या किसी फीमेल जानवर को मेल जानवर के लिए सुसाइड करते हुए आप नहीं देखोगे। इस लेबल पर उनका मोहब्बत नहीं है, इस लेबल पर उनमें संवेदनशीलता की मात्रा नहीं है, लेकिन मनुष्यों के पास है। तो मनुष्यों में पशुओं से अधिक संवेदनशीलता होती है। पांचवा लक्षण, मनुष्य के पास अपेक्षाकृत अधिक तार्किक समृद्ध मस्तिष्क होता है। बड़ा क्लियर है, मानव की यह विशिष्ट विशेषता है, विशेष क्षमता है, अपेक्षाकृत अधिक तार्किक और समृद्ध मस्तिष्क होता है। ये पशु समाज में नहीं होता है। क्लियर? मानव समाज मनुष्य की सृजनशीलता की क्षमता के कारण ही एक संस्कृति युक्त समाज है, जो पशुओं में नहीं पाया जाता है। मैंने अभी कहा क्रिएटिविटी, ये मनुष्य की विशेषता है जो जानवरों में नहीं पाई जाती है। क्रिएटिविटी का मतलब होता है कि हमें जो मिलता है हम उसको उसी रूप में स्वीकार नहीं करते हैं, हम उसको कुछ और बेहतर और बेहतर और बेहतर लगातार करने का प्रयास करते हैं, जो जानवर नहीं करते। मैंने अभी कहा कि यही कारण है कि हजारों वर्ष पहले जैसे गाय घास खाती थी वैसे ही आज भी खाती है, लेकिन हम हजारों वर्ष पहले जैसे केला खाते थे आज नहीं खाते। ये क्रिएटिविटी की क्षमता है, जिससे हम खाने के तरीके में लगातार कुछ ना कुछ संवर्धन करते चले गए। पंछी हजारों वर्ष पहले जैसे घोंसला में रहता था आज भी रहता है, लेकिन हम पहले गुफा में रहते थे और फिर हम देखते 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 क्या से क्या बना डाले। क्यों? सृजनशीलता की क्षमता। इसके लिए एक वर्ड दिया जाता है, क्रिएटिविटी। और हमारे अंदर ये क्रिएटिविटी है, इसके लिए सपोर्ट क्या हो गया? हमारी शारीरिक विशेषता, दिमाग, हाथ, क्रिएटिविटी आई हाथ से, हमने बना दिए, शुरू कर दिया, बना डाला।
तो मनुष्य समाज की तुलना सृजनशीलता की क्षमता के कारण ही एक संस्कृति युक्त समाज है। हमारे पास संस्कृति इसलिए है क्योंकि हमारे पास क्रिएटिविटी होती है जो पशुओं में नहीं होती है। एक नोट मैंने दे दिया है, मार्क्स ने मनुष्य की सृजनशीलता के आधार पर उसे पशुओं से भिन्न किया है, अलग किया है। तो पशु समाज और मानव समाज में एक प्रमुख यही अंतर है। अब कुछ प्रश्नों पर हम डिस्कस करते हैं, अभी जो हम लोगों ने प्रश्न करे, और ये डिस्कशन करने के बाद हम क्लास ओवर करेंगे। आइए, अभी तक जितनी बातें हमने बताई, पहले से भी आप इससे अवगत होंगे क्या खोया क्या पाया, देखते हैं आप प्रश्नों का उत्तर कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। आपके सामने पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आपके सामने सवाल है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह एक बृहद सामाजिक समूह है, यह एक बृहद सामाजिक समूह है। और दूसरा कथन है, यह एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है। बृहद सामाजिक समूह, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास। तीसरा, इसकी व्यापक संस्कृति होती है। निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास, बृहद सामाजिक समूह, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास, व्यापक संस्कृति होती है। और चौथा क्या है, इसमें स्वजाति चेतना पाई जाती है। बहुत आसान सवाल है। सवाल है, उपरोक्त कथन निम्न में से किस अवधारणा को परिलक्षित करता है? व्यापक सामाजिक समूह, व्यापक संस्कृति, स्वजाति चेतना, उपरोक्त कथन किस अवधारणा को परिलक्षित करता है? आपके सामने है, ए समाज सोसाइटी, बी सामाजिक समूह, सी संस्था, डी समिति। अगर हम समिति सही लगाएं, गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? तो आप पीछे आ जाओ, व्यापक संस्कृति नहीं समिति के साथ होगा। निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, ये भी समिति में नहीं लक्षण पाया जाता है। अब आते हैं, नीचे से चलते हैं, संस्था लगाते हैं, संस्था पर विचार करते हैं। तो बृहद सामाजिक समूह तो संस्था नहीं है, सामाजिक समूह तो मूर्त हो गया और संस्था तो अमूर्त हो गया। फिर वापस आते हैं, सामाजिक समूह सोशल ग्रुप, बृहद सामाजिक समूह, अरे तो सामाजिक समूह की बात कर रहा है। सामाजिक समूह छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, ये भी कट गया। तो सही आंसर क्या होगा बच्चा? समाज। आपका सही उत्तर है ए, मतलब यह एक बृहद सामाजिक समूह है, यह एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहता है। ध्यान देना, यहां पर समाज को मूर्त रूप में डिफाइन करके कैरेक्टर पर सवाल पूछा गया सवाल है, जितने भी संभावित प्रश्न हैं अलग अलग जगहों पर। निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है, इसकी व्यापक संस्कृति होती है, इसमें स्वजाति चेतना पाई जाती है, उपरोक्त कथन निम्न में से किस अवधारणा को परिलक्षित करता है? आपका उत्तर है समाज, सामाजिक समूह, संस्था, समिति। उत्तर है समाज सोसाइटी। तीनों से हमने क्रॉस कराया तो गलत निकला, समाज सही निकला। अब आप समाज को मैकाइवर पेज वाले डिफिनेशन से देखोगे तब आप कंफ्यूजन में आ जाओगे, आप सही आंसर नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहां पर तो सामाजिक समूह के रूप में डिफाइन किया गया है। बट ऐसे प्रश्न रहेंगे तो आपको बड़ा कंसेप्ट में क्लियर होना चाहिए और परिस्थिति के अनुसार आपको अपने उत्तर का चुनाव करना होगा। क्लियर? नेक्स्ट, अगला सवाल है आपका, निम्न में से कौन मानव एवं पशु समाज के मध्य अंतर का प्रमुख आधार है? आपके सामने सवाल है। अब देखिए, निम्न में से कौन मानव समाज और पशु समाज के मध्य अंतर का प्रमुख आधार है? सामूहिकता कलेक्टिविटी, परस्पर सहयोग म्यूचुअल कॉपरेशन, संस्कृति कल्चर, संघर्ष कॉन्फ्लिक्ट। डी, ए बी सी डी, आंसर बताओ बच्चा फटाफट। ए बी सी डी दोनों में से कौन, नीचे जो दिया हुआ है इनमें से कौन जो है वो मानव समाज और पशु समाज में अंतर को दर्शाता है? प्रमुख आधार है,
सामूहिकता दोनों में पाई जाती है, परस्पर सहयोग भी दोनों में पाया जाता है, संघर्ष भी दोनों में पाया जाता है। संस्कृति केवल और केवल मानव समाज में पाई जाती है, पशु समाज में नहीं पाई जाती है, इसलिए सी इसका सही आंसर है। बिल्कुल क्लियर। एक अगला सवाल देखो, अब निम्न में से कौन लक्षण मानव समाज को पशु समाज से भिन्न करता है? पहला सवाल तो आपने जवाब दे दिया आसानी से। दूसरा सवाल है कि निम्न में से कौन लक्षण मानव समाज को पशु समाज से भिन्न करता है? राइट, पहला है युद्धचारिता, ग्रिगेरियस इंस्टिंक्ट, मानव समाज को पशु समाज से अलग करता है। दूसरा है नैतिकता का उच्च स्तर। तीसरा है संस्कृति और चौथा है भाषा का प्रयोग। अब बताओ, ये चार है और कुट के आधार पर उत्तर देना है। मैंने कल यूजीसी के प्रश्नों को दिखाया था कि कुट के आधार पर ढेर सारे प्रश्न पूछे गए हैं। अब हम लोगों को इसमें दिखाना होगा कि कौन लक्षण मानव समाज को पशु समाज से भिन्न करता है, मतलब कौन सा ऐसा लक्षण है जो केवल मानव समाज में पाया जाता है, पशु समाज में नहीं पाया जाता है। एक नंबर युद्धचारिता है, दो नंबर नैतिकता का उच्च स्तर है, तीन नंबर संस्कृति है और चार नंबर भाषा का प्रयोग है। अब यहां देखते हैं, नैतिकता का उच्च स्तर केवल मानव समाज में पाया जाता है, पशु समाज में नहीं। संस्कृति केवल मानव समाज की विशेषता है, पशु समाज में नहीं। भाषा का प्रयोग केवल मानव समाज की विशेषता है, पशु समाज में नहीं। अब बारी आती है युद्धचारिता की। दो तीन चार बहुत क्लियरली मानव समाज को पशु समाज से अलग करता है, कहीं कोई डाउट नहीं है। बट पहला युद्धचारिता। अब ऑप्शन देखते हैं कुट में, तो ऑप्शन देखते हैं, एक है एक दो तीन, बी है दो तीन चार, सी है एक दो चार, डी है एक तीन चार। आंसर बताइए फटाक से। अब तो आप आंसर बता दोगे यार, मैंने आंसर तो बता दिया, ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा, सही आंसर क्या होगा? सही आंसर, सही आंसर, सही आंसर, सही आंसर बिपिन गौर बी, दिव्या सैनी बी, बादल चौधरी, श्याम बिहारी बी, विश्वकामा बी, रंजन निषाद बी, बी बी, वेरी गुड बी, एब्सोल्युटली आंसर इसका बी है। क्योंकि ग्रिगेरियस इंस्टिंक्ट तो दोनों में है, इस आधार पर मानव समाज को पशु समाज से अलग कैसे किया जा सकता है? युद्धचारिता दोनों में, ये नहीं आधार, ये तीनों आधार है, नैतिकता का उच्च स्तर, संस्कृति, भाषा, ये तीनों। इसलिए इसका सही आंसर होगा बी, बी फॉर बॉम्बे। क्लियर। अगला सवाल, निम्न तत्वों पर विचार करें। ध्यान से देखो सवाल को, यहां भी कुट है। निम्न तत्वों पर विचार करें, क्या है भाई? एक से अधिक व्यक्तियों की भौतिक उपस्थिति, एक से अधिक व्यक्तियों की भौतिक उपस्थिति, पहला पॉइंट। आई रिपीट, एक से अधिक व्यक्तियों की भौतिक उपस्थिति। दूसरा पॉइंट, स्वजाति चेतना, यहां एक से अधिक व्यक्तियों की भौतिक उपस्थिति, स्वजाति चेतना। तीसरा पॉइंट, पारस्परिक जागरूकता। चौथा पॉइंट, सामाजिक अंतःक्रिया। डन। अब प्रश्न है आगे, उपरोक्त में से कौन सामाजिक संबंधों की पूर्व शर्त है? फिर से आ गया, उपरोक्त में से कौन सामाजिक संबंधों की पूर्व शर्त है? प्रीरिक्विसाइट्स ऑफ सोशल रिलेशन, एक से अधिक व्यक्तियों की भौतिक उपस्थिति, स्वजाति चेतना, पारस्परिक जागरूकता, सामाजिक अंतःक्रिया। आंसर आपके सामने आंसर है,
एक दो तीन नंबरिंग याद होना चाहिए, बी है एक दो चार, सी है एक तीन चार और डी है दो तीन चार। एक बार फिर से आप इसको देख लो, निम्न तत्वों पर विचार करें, एक से अधिक व्यक्तियों की भौतिक उपस्थिति, स्वजाति चेतना, पारस्परिक जागरूकता और सामाजिक अंतःक्रिया, ये चारों याद रहना चाहिए। एक नंबर पे एक से अधिक व्यक्तियों की भौतिक उपस्थिति, दो नंबर स्वजाति चेतना, तीन नंबर पारस्परिक जागरूकता और चार नंबर सामाजिक अंतःक्रिया। अब आपके सामने आंसर है, ए है एक दो तीन, बी है एक दो चार, सी है एक तीन चार, डी है दो तीन चार। सामाजिक संबंध की पूर्व शर्त इनमें से कौन सा है? प्रदीप कुमार का आंसर आया डी, रंजन निषाद का आंसर आया डी, अमीर वहाब का आंसर आया सी, रंजन निषाद डी, सतीश कुमार सी, अमीर वावाओ सी, सी सी एक दो तीन, अमीर वहाब सी, वी सी डी एक तीन चार। बच्चा कैसे काम चलेगा, थोड़ा सा यही कंफ्यूजन आपको कंट्रोल करना है। इसका सही आंसर है डी, दो तीन चार, एक नहीं। अब आप कहोगे सामाजिक संबंध के लिए दो या दो से अधिक व्यक्ति नहीं होंगे तो सामाजिक संबंध कैसे बनेगा, अमीर वहाब यही कहेंगे। लेकिन ध्यान से देखो प्रश्न को, स्वजाति चेतना जरूरी है सामाजिक संबंध के लिए, तभी क्रिया अंतःक्रिया होगी, पारस्परिक जागरूकता भी जरूरी है क्रिया अंतःक्रिया के लिए और सामाजिक अंतःक्रिया भी जरूरी है, तभी संबंध बनेगा। ये दिख रहा है, ऊपर वाला भी दिख रहा है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति होंगे नहीं तो काम चाहिए चलेगा। लेकिन यहां पर एक शब्द दे दिया है जिस पर आपने ध्यान नहीं दिया, शब्द दे रहा है कि एक से अधिक व्यक्तियों की भौतिक उपस्थिति जरूरी नहीं है। अभी अभी मैंने बताया था कि दो या दो से अधिक व्यक्ति या एक से अधिक व्यक्ति, बातें बराबर हुआ, एक से अधिक व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्ति की भौतिक उपस्थिति जरूरी थोड़ी है। दूर दूर रह के भी सामाजिक संबंध बन सकता है, फोन से भी सामाजिक संबंध बन सकता है, कैमरा से भी आपके सामने हमारे सामने सामाजिक संबंध ऐप के माध्यम से बन रहा है। तो भौतिक उपस्थिति जरूरी नहीं है, भौतिक उपस्थिति जरूरी नहीं है, क्लियर हो चुका होगा, भौतिक उपस्थिति जरूरी नहीं है। स्वजाति चेतना रहेगा, दो नंबर, तीन नंबर और चार नंबर, सामाजिक संबंध के लिए ये तीन चीजों का होना जरूरी है, स्वजाति चेतना, पारस्परिक जागरूकता, सामाजिक अंतःक्रिया। एक चौथा चीज है दो या दो से अधिक व्यक्ति, चलेगा, लेकिन दो या दो से अधिक व्यक्ति की भौतिक उपस्थिति नहीं चलेगा, यही भौतिक उपस्थिति कह करके इसको गलत कर दिया। इसलिए इसका सही आंसर बच्चा क्या होगा, डी, दो तीन चार। डन, आज का क्लास हम यहीं बंद करते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा हो गया, और कल हम लोग यहीं से क्लास शुरू करेंगे। YouTube पे आप क्लास देख सकते हो जो भी बच्चे हैं, यहां सभी कुछ और सवाल है क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट मैंने लगातार आपको समझाया है, अब उस कंसेप्ट को प्रश्न के माध्यम से और क्लियर करेंगे हम लोग। हमारे पढ़ाने का तरीका यही होगा कि पहले राउंड में हम कंसेप्ट की जटिलता को क्लियर करते चलते हैं, समझाते जाते हैं, समझाते जाते हैं। आपके पास कुछ मैटर भी है, ढेर सारी किताबें भी है, आप देखते जाइए, बेसिक कंसेप्ट को हम पहले समझते जाएंगे और समझने के बाद फिर हम आपके सामने फंसाने वाले प्रश्न रखेंगे, और हमारे प्रश्न का पर्पस होगा कंसेप्ट को और क्लियर करना। वो कौन सा पॉइंट है जहां पर पढ़ने के बाद भी आप मिस्टेक कर सकते हो, वो कौन सा पॉइंट है जहां आपका एक सिली मिस्टेक आपके एक क्वेश्चन को गलत करा सकता है, उस पॉइंट पर आधारित प्रश्न को बना करके और फिर हम प्रश्न का आंसर क्लास में करेंगे और इसके माध्यम से हम कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर करने का प्रयास करेंगे। मेरा प्रयास होगा कि बेसिक कंसेप्ट एक बार इस पैटर्न पर पढ़ने के बाद आप बेसिक कंसेप्ट पे पढ़े हुए हो, ऐसा नहीं है कि कोई नया पढ़ रहे हो, लेकिन जब आप सवाल करोगे फिर टेस्ट दोगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि गलतियों की संभावना बिल्कुल मिनिमाइज हो जाएगी। और इसी तरीके से अगर हम लोग पूरा का पूरा सिलेबस ढंग से कर दें तो निश्चित रूप से जो डिफरेंस है 40 प्रश्नों का वो उम्मीद है कि मैं पूरा कराऊंगा, बट आपको मेरे साथ अड़े रहना होगा तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं बार बार अपने बच्चों से कहता हूं कि टॉप करने के लिए तैयारी करो, पास करने के लिए नहीं। अगर छलांग लंबी होगी तो गिरते गिरते क्वालिफाई तो कर ही जाओगे,
उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। सो थैंक यू वेरी मच आज के लिए, थैंक यू, गुड नाइट, गुड नाइट एवरीवन। मिलते हैं कल 9 बजे इसी टाइम पर। यहां से आगे प्रश्न है, अभी करीब 8-10 प्रश्न है पीछे के टॉपिक पर, और फिर आगे प्रश्न के बाद फिर समाज और एक समाज में हम अंतर करेंगे, और फिर वहां पर कुछ कंसेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।